ओके, सो वी आर लाइव नाउ। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? दिस इज निशा सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ रिजल्ट गुरु जी। हाँ बिल्कुल, एक ऐसे चैनल पर आप लोग जुड़े हैं जहां पर आप अपने एग्जाम के हिसाब से अपना चैनल चूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, रिजल्ट गुरु यानी कि इंडिया का लार्जेस्ट वर्नाकुलर चैनल, जहां पर 18 प्लस चैनल्स हैं। आप अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर भी अपना चैनल चूज कर सकते हैं। और इसके बाद बात करेंगे हमारे आज के सेशन की, और उससे पहले आप सबको बताना है आई एम ऑडिबल विजिबल ऑल गुड और नॉट। दीक्षा, नहीं मैं आज गुस्से में हूँ, इवन आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बहुत ज्यादा खुश इसलिए हूँ बिकॉज आप सबकी जो पेंटिंग गाइज मुझे मिली है, सीरियसली आप सबकी जो पेंटिंग्स मुझे मिली हैं, मैं शॉक्ड हूँ ये सब चीजें देख के कि मेरी क्लास में इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में शायद लोगों को बहुत कम पता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि एट द एंड ऑफ क्लास कुछ आर्टिस्ट हैं जिनकी हम पेंटिंग्स देखेंगे। ठीक है, और आप लोग तैयार रहिए बिल्कुल, बिकॉज ये आर्टिस्ट जो हैं, अगर हम बात करें ना हमारे जो समकालीन कलाकार हैं, ठीक है, उनकी टक्कर के आर्टिस्ट हैं। ये नहीं कह सकते एक मिनट के लिए भी आप उनकी पेंटिंग्स देख के आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैम क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, लेकिन अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ये हो जाती है रिजल्ट गुरु की, पर्सनली मेरी, बींग योर टीचर, आप चाहे मेरी क्लासेस चाहे आपने एक दिन देखी हो, दो दिन देखी हो, ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो शायद नए भी हैं। ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के लिए ये है और मेरा प्रॉमिस आप लोगों के लिए ये है कि जो भी आपकी पेंटिंग्स मुझे मिल रही हैं, मैं कोशिश करूंगी अपनी पूरी रिजल्ट गुरु की टीम से कि इन फ्यूचर आपके लिए कुछ ना कुछ हम लोग गुड न्यूज लेके आए। आपकी जो पेंटिंग्स है ना उसको हम एक प्लेटफॉर्म दें। ठीक है, कोशिश हमारी जारी रहेगी। अभी मैं बात करूंगी अपनी टीम के साथ कि रिजल्ट गुरु जो टीम है या रिजल्ट गुरु की अपनी एक आर्ट गैलरी हो जहां पर मेरे स्टूडेंट्स की पेंटिंग्स हो, और ये हमेशा के लिए आपके साथ रहे, है ना। यानी कि वो फर्स्ट प्लेटफॉर्म, अगर वैसे तो काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी मैंने देखी कि वो सेल भी करते हैं पेंटिंग्स उनकी। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल, ओके धीरज, बिल्कुल उसके बाद मिलेंगे। ठीक है, ओके, विकी विकास जी बिल्कुल, विकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप वहां पर भेज सकते हैं। ठीक है जी, आज मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी आपकी पेंटिंग्स को देखकर कि मैं नंबर डालना भूल गई, क्योंकि मैं कोशिश कर रही थी कि आपके कुछ पेंटिंग्स दिखाऊं। ठीक है बिल्कुल, तो कुछ एक पेंटिंग्स है, कुछ शाम को है, जितनी आपने पेंटिंग्स भेजी हैं मैं सब दिखाऊंगी एक-एक करके। लेकिन क्या है, जैसे आज दो तीन पेंटिंग्स आज हैं एक-एक आर्टिस्ट की, दो तीन पेंटिंग कल है, बहुत सारी पेंटिंग्स मिली हैं गाइस, बहुत सारी पेंटिंग्स मिली हैं। आपका ये प्यार देख के बहुत अच्छा लग रहा है जी बिल्कुल। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनको आप जानते हैं और जिनके बारे में मेरी प्रिस्क्रिप्शन मतलब ये थी कि हाँ ये बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, और मैंने शायद आपसे कई बार क्लास में कहा भी, और उनका आर्ट देख के मैं खुद शॉक्ड हूँ। चलिए ठीक है, तो करेंगे क्या, उससे पहले भी पढ़ाई करना ज्यादा जरूरी है। रीजन क्या है, आप लोगों की सरकारी नौकरी का सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज का सेशन, ठीक है, जिसको देख लेते हैं। अगर आज के सेशन की गाइस हम लोग बात करेंगे, आधुनिक चित्रकला का जो हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है, समकालीन कलाकारों तक पहुंच गए हैं जी, मुख्य रूप से आज हम बात करेंगे के हेब्बर सर के बारे में। किसके बारे में? के हेब्बर सर के बारे में बात करेंगे। ये हमारी वन शॉट क्लास है, यानी कि एक टॉपिक आज हम पूरा इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक ऐप को ज्वाइन नहीं किया है, ऐप को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है जी, आज जो है इसके बाद जी ऐप का जो बाकी हमारा जो आर्ट सेक्शन है उस पर आज से काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो थोड़े बहुत आपको पीडीएफ दिए जा रहे थे कि आप तक पहुंचे हैं नहीं पहुंचे हैं, जो भी आपकी क्वेरीज आई हैं, उसके बाद से आज आपको मैक्सिमम पीडीएफ मिल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये भी आप लोग देखते रहेंगे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, सबको वेरी गुड मॉर्निंग, सबको वेरी गुड मॉर्निंग जी, सबसे बात भी करते रहेंगे जी। चलिए कोई बात नहीं, ओके बिल्कुल, आपकी भी मोनालिसा की पेंटिंग है जी। देखिए आप लोग खुद जो है ना आज इंस्पायर होने वाले हैं, काफी सारे स्टूडेंट जिनकी पेंटिंग्स हैं मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। तो अभी तक हम बात करते हैं ना अमृता शेरगिल की, बात कर रहे हैं भाई, हमारे रोल मॉडल्स हैं, है ना, और हमारे गुरुजन हैं, हमारे पूर्वज हैं, जिनकी वजह से शायद आज हम लोग यहाँ पर हैं। लेकिन जब अपनी क्लास की बात करते हैं ना, हमारी क्लास से ही कई अमृता शेरगिल हैं और कई के हेब्बर हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी बहुत सारे कलाकार हैं, कुछ एक नहीं है मनीषा,
बहुत सारे हैं, एक एक करके मैं दिखाऊंगी, आपको पता चल जाएगा। आज देखिए मैंने तीन या चार जो हमारे क्लास के आर्टिस्ट हैं, मैं ये नहीं कह सकती स्टूडेंट, अब भाई आज के बाद जो हमारे क्लास के आर्टिस्ट हैं, ठीक है, तो उनकी पेंटिंग्स मैं आज आपको जरूर दिखाऊंगी। आई थिंक चार आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनकी मैंने पेंटिंग्स डाली हैं, ठीक है जी। चलिए तो पहले सबसे पहले आज की सेशन के बारे में बात कर लें। आज का जो सेशन है हमारा, आज हम के हेब्बर सर इनको कंप्लीट करने वाले हैं। पर्सनैलिटी बिल्कुल आपके सामने है, किस तरह से ये दिखाई देते हैं, ठीक है। और बहुत ही साधारण से दिखाई देने वाले व्यक्ति हैं, बहुत ही दुबले पतले। और हमने बात की है कि देखिए आप के हेब्बर और एन एस बेंद्रे, इन दोनों में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। एन एस बेंद्रे सर के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं दोनों में, कि दोनों की पेंटिंग्स और दोनों की शैलियों के बारे में अगर हम बात करें। हमने देखा था कि एन एस बेंद्रे सर जो हैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। के हेब्बर सर की बात करेंगे तो इनको हम ये भी नहीं कह सकते कि मिडिल क्लास फैमिली से थे, ठीक है, ये कह सकते हैं कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, ठीक है। बात करेंगे इनके परिवार के बारे में भी, उसके बाद दोनों की पर्सनैलिटीज की अगर बात करें ना, जो देखने में भी फर्क है। हमने बात की थी बेंद्रे, बड़ा भरा पूरा सा नाम लगता है ना बेंद्रे, यानी कि क्या है, इट्स लाइक गोलू मोलू बिंदी बेंद्रे, ठीक है। तो बिल्कुल हमारे जो बेंद्रे सर है वो बिल्कुल ऐसे थे, और के हेब्बर सर उनको आप देख सकते हैं बहुत दुबले पतले से हैं। रीजन क्या है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे क्लासिकल डांसर भी थे, और इसीलिए हमें इनकी पेंटिंग्स, जो हम बात करते हैं के हेब्बर सर की पेंटिंग्स, जहां पर हमें रेखांकन देखे हैं लयबद्ध, ठीक है, तो वो लयबद्धता, या हम उस लय की बात करें उनकी पेंटिंग्स में कहाँ से आई हैं, वो इनकी पेंटिंग्स में इसलिए आई हैं क्योंकि खुद भी एक बहुत अच्छे क्लासिकल डांसर थे, ठीक है। इन्होंने क्लासिकल डांस सीखा था, और इसीलिए इनके जीवन की, जब हम अंतिम कृतियों की बात करते हैं, अंतिम शैली की बात करते हैं, जो इनके जीवन की अंतिम शैली थी वो कौन सी थी, अंतिम नहीं कह सकते, स्टार्ट इन्होंने काफी पहले से कर दिया था, लेकिन कहा जाता है कि इनके जीवन के जो आखिरी वर्ष थे उन्होंने उस समय पर जो रेखांकन, लयबद्ध जो रेखांकन है, उस तरीके की जो पेंटिंग्स हैं वो उन्होंने ज्यादा बनाई थी। पेंटिंग्स नहीं कह सकते, चित्र कह सकते हैं जी, ठीक है। और रीजन क्या है भाई, डांस करते हैं तो बहुत फिट एंड फाइन है, नहीं दुबले पतले से हैं। तो यहाँ पर दो चीजें जो आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसीलिए क्या है, स्टार्टिंग में ही जब मैं आपको इनकी फोटो दिखा रही हूँ वहीं से ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ जिस भी चीज में आपको कंफ्यूजन है, खासकर हमारे जो इंडियन पेंटर्स हैं उनकी बात करें, उनकी पेंटिंग्स की बात करें, आपने जी एक बार उनको उठा के देख लेना है, ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है जी। ठीक है जी, चलिए वेरी नाइस। चलिए तो अब आज के सेशन की बात करें, आज के कलाकार देख ही चुके हैं, अब बात करेंगे इनका पूरा नाम। इनका पूरा नाम है कंटिगेरी कृष्णा हेब्बर। क्या है, कंटिगेरी कृष्णा हेब्बर। रीजन क्या है, इनका नाम अगर हम बात करें, इनका वैसे नाम कृष्णा था, ठीक है, कृष्णा इनको प्यार से बोलते थे, बाद में कंटिगेरी कृष्णा हेब्बर हो गया। क्यों, क्योंकि ये जिस क्षेत्र से बिलोंग करते थे उस क्षेत्र का नाम कंटिगेरी था जहां पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है गाइस, याद रखिएगा उस क्षेत्र का नाम कंटिगेरी था। इनके नाम के साथ ये वर्ड जुड़ गया। हमने इतिहास में ऐसे बहुत सारे कलाकार देखे हैं, ठीक है, कि भाई जहां जिस क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं वही नाम उनके नाम के आगे लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें, आपके ग्रुप में, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर दो नाम के कोई आपके फ्रेंड्स हो, ठीक है, तो करते क्या है, एक को हम कह देंगे ना कि अभी मान लीजिए आपके ग्रुप में बात करेंगे अनुराधा है, ठीक है, अनुराधा यादव, भाई हमारे क्लास में कई अनुराधा है ना, कई अनुराधा है हमारी क्लास में, लेकिन या तो हम क्या करते हैं भाई, या तो हम इनके सरनेम से इनको बुलाएंगे, लेकिन अगर आपकी एकदम बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो ना तो हम कहेंगे बड़ी अनु, छोटी अनु, मैक्सिमम जो हम लोग रिलेट करते हैं। या फिर जैसे बात करें भाई क्लास की बात करें या एक क्षेत्र के ग्रुप की बात करें, तो हम ये भी कहते हैं कि हाँ जी फैजाबाद वाली अनु, है ना, कौन सी, फैजाबाद वाली अनु, या बात करेंगे कि हरियाणा वाली अनु, है ना, यूपी वाली अनु। तो यहाँ पर क्या है, यानी कि ये वो नाम है जो किसी ना किसी रीजन से, हम ये नहीं कह सकते कि भाई इनके साथ भी ये कहानी हुई होगी, ये फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर बस बात ये है कि जिन कलाकारों के क्षेत्र के नाम इनके नाम के साथ जुड़ गया, जिस नाम से फेमस हो गए, ठीक है। और इसीलिए इनके जो मैक्सिमम जो इनके फ्रेंड्स थे, अब इतना लंबा चौड़ा नाम हो गया थी, होगा क्या कि यहाँ पर इनको के हेब्बर इनको नाम दे दिया गया। अब ये नहीं पता है कि ये जो कैंटेगरी जो वर्ड है जो इनके क्षेत्र का है जो लिया गया है, ये इनके परिवार ने इनको दिया था, इनके फ्रेंड्स ने इनको दिया था, लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी कि वही उस क्षेत्र से बिलोंग करते थे और उनके नाम के साथ ही क्षेत्र जुड़ा हुआ है जिसको हम कैंटेगरी नाम से जानते हैं, यानी कैंटेगरी कृष्णा हेब्बर, के हेब्बर के नाम से इनको हम जानते हैं।
अब बात करेंगे भाई, भारतीय चित्रकार हैं और इसके साथ कला शिक्षक भी हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे कला शिक्षक हैं। जब हम इनकी शैली की बात करेंगे, इन्होंने अपने गुरुजन से सीखी और आगे यही चीज, यही परंपरा इन्होंने आगे अपने स्टूडेंट्स को भी दी। ठीक है जी। और अगर हम बात करेंगे, हमने कहा कि बहुत अच्छे चित्रकार हैं, तो यहाँ पर दूसरी बात ये आती है कि बहुत अच्छे चित्रकार हैं, किस तरीके के चित्रकार हैं, किस शैली के चित्रकार हैं, और साथ में कैसी पेंटिंग्स ये बनाते थे। तो देखिए, इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो ज्यादातर आपको भारतीय थीम पर मिलेगी। और यहाँ पर जब हम के हेब्बर सर की बात करेंगे, मिडिल क्लास फैमिली से थे, गांव देहात में पले बड़े थे, और वही सब चीजें इनकी पेंटिंग्स में भी हमें देखने को मिलेंगी। यानी कि यहाँ पर भारतीय थीम को आपको जोड़ना है, जो भारत के ग्रामीण क्षेत्र हैं या जो गांव का जीवन है, वो आपको इनकी पेंटिंग्स में देखने को मिलेगा। और इसीलिए इनके बारे में ही कहा जाता है कि भारतीय थीम और अपने भारत विषयक कलाकृतियों के लिए ये जाने जाते हैं। अब भारतीय विषय क्या होंगे? अभी आज के टाइम में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पहले के भारतीय विषय क्या होते थे? धान के खेत हैं, बड़े सुंदर सुंदर जी खेत आपको दिखाई देंगे, ट्यूबवेल का पानी जो है जा रहा है, कहीं कहीं पे बड़े सुंदर सुंदर झरने दिखाई देंगे, अगर पहाड़ी क्षेत्र हैं नदियां दिखाई देंगी, है ना। उसके बाद जब हम गांव के जीवन की बात करते हैं, वो आपको दिखाई देगा, वहां का जो लोक जीवन है, लोग जो फेस्टिवल मनाते हैं, छोटी छोटी चीजें, वो हमें क्या है, गाँव से कहीं ना कहीं, गांव के साथ हम लोग उन सब चीजों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, और यही सब चीजें हमें इनकी पेंटिंग्स में भी देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि इनके परिचय से ही आपको ये पता चल गया है कि इनकी पेंटिंग्स हमें ज्यादातर कैसे देखने को मिलेंगी। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें भाई, ये तो हो गए इनकी पेंटिंग्स, जो हमने बात की कि मैक्सिमम विषय इनकी पेंटिंग्स में हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद थोड़ा सा चेंज और इनके चित्रों में हमें देखने को मिलता है, वो क्या है? वो था लयबद्ध रेखा चित्र। क्या है? लयबद्ध रेखा चित्र। अब ये लयबद्ध रेखा चित्र, ये आपको पता चल गया कि भाई इन्होंने प्रोफेशनली, प्रोफेशनली नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि इन्होंने क्लासिकल ट्रेन डांसर थे ये, इसीलिए वो जो लय है, ठीक है, वो जो लय है बिल्कुल इस तरीके से, ये हमें इनके रेखा चित्रों में देखने को मिलेगी। ठीक है। यानी यहाँ पर लय, अगर आप नृत्य की बात करें, संगीत की बात करें, और ये जब हम लय आत्मा, जो लय है हमारे शरीर में, ठीक है, जहां पर आप बहुत सुंदर तरीके से जो शरीर की मूवमेंट है, ठीक है, उसको एक लय के रूप में दिखा रहे हैं जी। ठीक है। उनको यानी कि रेखाओं को, क्या है यहाँ पर, रेखाएं सीधी हुई और तनी हुई रेखाएं नहीं दिखाई देंगी, इनकी जो रेखा चित्र हैं यहाँ पर आपको रेखाएं बिल्कुल कैसे नाचती हुई प्रतीत होती हैं। कैसे प्रतीत होंगी? नाचती हुई। इसीलिए इनके रेखा चित्रों को क्या कहा गया है, कहा, हम लोग बात करते हैं ना कि डांसिंग ऑफ लाइंस, है ना, या सिंगिंग लाइंस, ये किसकी पेंटिंग्स हैं। और यहाँ पर एक और चीज जो बड़ी कंफ्यूज करती है, इनका इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि सिंगिंग लाइंस किसकी कृतियां हैं या डांसिंग लाइंस किसकी कृतियां हैं। तो यही समझ में नहीं आता कि जी ये सिंगिंग होगा यहाँ पर या डांसिंग होगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया गया है, कहीं पर इनको डांसिंग लाइंस दिया गया है, कहीं पर सिंगिंग लाइन दिया गया है। जो भी हो, है एक ही चीज है, किससे संबंधित है? के हेम्पर से संबंधित है, चाहे वो डांसिंग है, ठीक है, देख ही रहे हैं आप लोग, चाहे डांसिंग है, चाहे वो सिंगिंग, नृत्य बजाना, जो भी है वो सब इसमें ही है। ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको लय दिखाई देगी, चाहे आप सुरों की बात करेंगे, ताल की बात करेंगे, चाहे आप नृत्य में, है ना, मुद्राओं की बात करेंगे, भाई दोनों में ही आपको लय मिलेगी। तो वो दोनों किससे संबंधित हैं? दोनों संबंधित हैं हमारे के हेब्बर से, चाहे वो डांसिंग में हो, चाहे वो सिंगिंग में हो। ठीक है जी। तो यहाँ से आपको चीजें में भी समझ में आ गई होंगी। जी बिल्कुल। मैं वही कह रही हूँ विकी, विकी विकास, ठीक है, मैं वही कह रही हूँ कि देखिए, इन्होंने ये जो रेखांकन है, इन्होंने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था। ऐसा नहीं है कि जीवन के अंतिम वर्षों में इन्होंने ये स्टार्ट किया है, लेकिन याद रखेंगे आप लोग भाई, ये इन्होंने डांसिंग ऐसा तो नहीं है इन्होंने जीवन के अंतिम समय में सीखा है, नहीं, इनकी पेंटिंग्स ये इन्होंने पहले ही स्टार्ट कर दी थी, लेकिन कुछ एक इन्होंने ऐसी, कुछ एक नहीं कह सकते, कुछ मतलब कम मात्रा में, कम संख्या में इस तरीके की ये रेखा चित्र बनाते थे। ज्यादातर इन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं, उसमें भी परिदृश्यों की पेंटिंग्स देखने को मिलेगी और ग्राम जीवन, भारतीय विषयों पर। उसके बाद जब जीवन के ये अंतिम कुछ वर्षों में थे, तब उस समय पर इन्होंने सबसे ज्यादा इसी तरीके के चित्र बनाए हैं। इसीलिए इनके बारे में कहा गया है कि भाई इनके जीवन की अंतिम समय की जो शैली थी वो कैसी थी, वो बिल्कुल जी आपके सामने है, ऐसी थी।
है ना, क्या हो गया ये, रेखाबद्ध, रेखाबद्ध यानी कि यहाँ पर आपको क्या है, ये इस तरीके से पेंटिंग चित्र दिखाई देंगे, लयात्मक इस तरीके के चित्र आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और देखिए, जब भी हम, आपने गाइस हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कोई भी हमारा कलाकार है जिनसे संबंधित ऐसी बातें की जाती है या पूछा जाता है, वहां पर हम क्या देखते हैं, मैक्सिमम कलाकारों ने हर तरीके के चित्र बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर होता क्या है, हम उनके जीवन के उस समय को देखते हैं जहां पर उन्होंने सबसे ज्यादा यानी कि एक पर्टिकुलर टाइप की पेंटिंग्स बनाई हैं, और उसी समय को हम लोग इनके नाम से जानते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की ना कि ये पहले से ही बनाते थे, लेकिन जीवन के अंतिम समय में इन्होंने ज्यादातर यही पेंटिंग बनाई है प्रमुख रूप से, इसलिए इनके बारे में ही कहा जाता है कि इनके जीवन के अंतिम समय की जो पेंटिंग्स थी या जो शैली थी वो इस तरीके के रेखा चित्र थे, ठीक है जी। जी हाँ बिल्कुल, रेखात्मक शैली, रेखा चित्र, लयात्मक रेखा चित्र, और मुख्य रूप से देखिए ये क्या है, ये लोक डांसर है जो आप एक तरफ देख पा रहे हो, दूसरी तरफ है ड्रमर, ठीक है। तो ये किसकी है, दोनों के हेब्बर सर की है, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको देख के समझ में आ गया है, ठीक। अब इसके बाद बात करेंगे कि भाई इनको प्रेरणा कहाँ से मिली, इनको पेंटिंग्स के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली। तो इनको पेंटिंग के लिए प्रेरणा मिली थी, इनके घर में एक कैलेंडर था काफी बड़ा, ठीक है, सरस्वती माता का। और ये बनाया किसने थे, राजा रवि वर्मा ने बनाया था। हमें पता है, हम एक कैलेंडर आर्टिस्ट के रूप में अगर हम ये बात करें कि भारतीय देवी देवताओं का जो एक रूप है जो हमें कैलेंडर्स के माध्यम से हमने देखा था, वो दिखाने वाले कौन है जी, हमें राजा रवि वर्मा है ना। तो इसी तरीके की इनकी एक पेंटिंग थी जो इनके घर की दीवार पे टंगी रहती थी, और उस पेंटिंग को देखकर ये इतना इंस्पायर हुए कि इन्होंने उसी पेंटिंग को बनाना शुरू कर दिया। यानी कि एक तरफ एक पेंटिंग लगी थी, दूसरी तरफ इन्होंने अपने घर की ही वॉल पर ये सरस्वती जो इन्होंने राजा रवि वर्मा थी, इसी को इन्होंने घर की दीवार पर बनाना शुरू कर दिया। जब ये पेंटिंग पूरी हुई तो इनको लगा देख के कि मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही बनाई है जैसे इस कैलेंडर में, इस तस्वीर में माता दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं घर वाले भी ये देखकर बहुत जो है प्रभावित हुए, और वहीं से ही इनकी, अगर हम बात करेंगे कला के क्षेत्र में रुचि, वहीं से ही ज्यादा जो है हो गई। देखिए कला के क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे ना, तो इनके माता पिता दोनों ही उस समय के समकालीन कलाकार थे। पिता इनके मुख्य रूप से मूर्तियां वगैरह बनाया करते थे, तो वो पहले से ही कलाकार थे। यानी कि यहाँ पर हमें जो एक चीज इनके बारे में देखने को मिलेगी वो ये है कि इनके परिवार में ही, ठीक है, इनके परिवार में ही पहले से ही क्या था जी, कला का वातावरण था, परिवार में ही कला का वातावरण था। लेकिन हम बात करते हैं ना कि आपको कैसे पता है कि आपने भी कला के क्षेत्र में जाना है। भाई मेरे माता पिता डॉक्टर हैं, मुझे कैसे पता था कि मुझे कला क्षेत्र में ही जाना है। फॉर एग्जाम्पल एक बात करें, यहाँ पर बात आती है आपके कॉन्फिडेंस की, ठीक है, शौक सबके होते हैं, लेकिन उस शौक को आपको अपने प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये कॉन्फिडेंस आपको कहीं ना कहीं से एक हिंट आपको मिलता है, जो इनको हिंट मिला था, जो इनको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस हुआ कि भाई मैं कला के क्षेत्र में जा सकता हूँ, जब इन्होंने राजा रवि वर्मा की जो कृति थी उसी को सेम एज इट इज उतार दिया, ठीक है। तो ये वो घटना है जिसके बाद इनको पता था कि मुझे कला के क्षेत्र में जाना है, इवन दो कि इनके परिवार में भी कला का एक पूरा का पूरा वातावरण हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब ये इनके बारे में हमने कहानी देख ली है थोड़ा सा ऊपरी तौर पर, अब बात करेंगे इनके प्रारंभिक जीवन यानी कि भाई इनके जन्म से ही शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ 15 जून 1912 को कर्नाटका में, ठीक है जी, कर्नाटका में। और किस गांव में इनका जन्म हुआ, तो कांटीगरी उस क्षेत्र का, उस मुख्य रूप से उस गांव का नाम था उडुपी, ठीक है जी, उडुपी यानी कि जो कांटीगरी क्षेत्र है उसी में उडुपी, वहीं पर ही क्षेत्र है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। कन्नड़ भाषा वाला परिवार था मुख्य रूप से, और जी अगर हम कन्नड़ भाषा में भी अगर हम इनके परिवार की बात करेंगे तो शिवपल्ली माधवा, क्या है, शिवपल्ली माधवा ब्राह्मण फैमिली थी जिसमें इनका जन्म हुआ था, और बचपन से ही कला का शौक था। क्यों, क्योंकि माता पिता भी उस समय के समकालीन क्या थे जी, कलाकार थे। मुख्य रूप से पिता की बात करें, इनकी जो माता है वो भी घर में मूर्तियां बनाया करती थी, तो कहीं ना कहीं मूर्तियां नहीं कह सकते, खिलौने भी कह सकते हैं, माता घर में खिलौने बनाया करती थी, और इनके पिता जो है वो उस समय के समकालीन मूर्तिकार थे, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें भाई मूर्तिकार हैं तो कहीं ना कहीं होगा क्या, अब जो वाल हेबर हैं इनके मन में भी कला के लिए जो है थोड़ा थोड़ा हम देख सकते हैं ना कि कुछ आर्ट एलिमेंट्स इनके अंदर भी रहेंगे, ठीक है। अब हमने देखा कि दोनों क्या है, एक खिलौने बनाते हैं, माता जो है, पिता जो है मूर्तिकार हैं, और इनको कैसे पता चला कि इनको चित्रकला के क्षेत्र में जाना है, जब इन्होंने सरस्वती माता की
जो है पेंटिंग बनाई उसके बाद से, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पर आपको कहानी जो है थोड़ी सी क्लियर हो रही है, ठीक। अब इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात कर लेंगे। तो अगर इनके प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो जो वहां का लोकल एक मिशनरी स्कूल था, मिशन स्कूल के नाम से उसको जानते थे, वहीं पर 5 साल तक इन्होंने वहीं पर शिक्षा प्राप्त की, ठीक है जी। प्रारंभिक 5 साल तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और देखिए ये नहीं आप लोगों ने सोचना है कि आज के 5 साल, अब आज तो होता क्या है, बच्चा 2 साल का हुआ, हमने कहाँ पर डाल दिया जी उसको, प्ले स्कूल में डाल दिया। अब उस समय की बात करें ना, आई डोंट नो आपके समय में ये था कि नहीं था, बहुत कम स्टूडेंट्स के समय में ये चीज रही होगी, लेकिन मैं अगर आपको अपनी बात कहूँ तो जब मैं 4 साल की थी तब अलाउ था कि आप स्कूल में बच्चे को भेज सकते हैं, 4 साल से पहले नहीं, ठीक है। तो यानी एक बात करें, अगर मेरी एजुकेशन कहीं से स्टार्ट हुई तो जब मैं 4 साल की थी। अब इनके समय की बात करें तो 5 साल था, ठीक है। यानी 5 साल इन्होंने क्या किया, प्राथमिक विद्यालय में बिताए, यानी कि 10 साल तक जी हमें कहाँ पर ये देखने को मिलेंगे, बिल्कुल जो प्राथमिक विद्यालय था वहीं पर इन्होंने अपनी क्या है जी शिक्षा प्राप्त की है, जो यहाँ का लोकल स्कूल था, ठीक है जी। जी बिल्कुल लोकल स्कूल था वहीं से ही। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऋषि, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको वेरी गुड मॉर्निंग, सबको वेरी गुड मॉर्निंग जी। देखिए थोड़ा सा क्या है, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। जब कंटेंट की क्लास चलती है तो मैं आप लोगों के कमेंट्स या ग्रीट्स जो है वो बाद में देख पाती हूँ, ठीक है। रीजन क्या है, कहानी चल रही होती है तो मजा आता है पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी, ठीक है जी। तो चलिए हमारी कहानी में वापस आते हैं। अब देखिए हमने बात कर ली कि भाई 5 साल के थे, एडमिशन हुआ, 5 साल इन्होंने क्या किया, शिक्षा प्राप्त की प्राथमिक विद्यालय से। अब उसके बाद पता लग गया हमें कि जब 11 साल के थे, ठीक है जी, जब 11 साल के हो गए, यानी 5 साल के तक इनकी शिक्षा जो है वो बिना किसी इंटरप्शन के, है ना, बिना किसी जो है विपत्ति के, बिना किसी अच्छा सब कुछ अच्छा चल रहा है, 5 साल जो तक जो है प्राथमिक विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर ली। जब ये 11 साल के हुए तो इनके पिताजी जो हैं उनकी एज भाई धीरे धीरे बढ़ रही थी, और वो कहीं ना कहीं जो मूर्तियां बनाया करते थे वहां से क्या है रिटायर हो गए। मान लीजिए किसी विभाग में भी या कहीं पर किसी भी संस्थान के साथ जुड़े रहे होंगे तो वहां से इन्होंने क्या हुआ, वहां से इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। अब हमने बात की थी कि अगर हम पारिवारिक इनके बैकग्राउंड की बात करेंगे तो मिडिल नहीं लोअर मिडिल क्लास फैमिली हम लोग इनको कह सकते थे, क्योंकि कमाने वाले पिता ही थे, जब तक पिता कमा रहे तब तक सब कुछ सही है। लेकिन जब पिता ने ही कमाना बंद कर दिया तो अब क्या होगा जी। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई अभी इस समय के तरीके की जी उतनी सेविंग हुआ करती थी या जो भी है। तो अब यहाँ पर क्या है, हमें एक चीज उनके बारे में देखने को मिलेगी कि जब पिता जो हैं वो किन्हीं कारणों से जब रिटायरमेंट ले लेते हैं तो उसके बाद हमने देखा कि इनके जो परिवार है उनको उस दौर से गुजरना पड़ता है जब शायद इनका भरण पोषण भी आराम से नहीं हो पा रहा था। अब उसी कड़ी में हमने बात की थी कि इनकी जो माता है वो घर में ही रहती थी और खिलौने बनाया करती थी, ठीक है। अब ये भी अपनी माता की हेल्प करने लगे, छोटे से ही थे, 10 या 11 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है जी। तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी अपनी माता के साथ वो खिलौने बनाना शुरू किए, पिता ने भी वो खिलौने बनाना शुरू किए, और उसके बाद जो गांव में इनके थोड़े बहुत जमीन थे, खेती खेत थे, वहां पर ये खेती करते थे, और समझ लीजिए उसी से ही इनका आगे भरण पोषण आरंभ हुआ। यानी कि वो जो खिलौने बनाए जा रहे हैं घर पर उनको बेचा जाता था, और साथ में जो अपनी खेती बाड़ी करते थे उसी से ही इनका धीरे धीरे भरण पोषण जो है वो होने लगा। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे मॉरल ऑफ द स्टोरी कि 11 साल की एज में ही इन्होंने भी कुछ ना कुछ घर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, ठीक है जी। चलिए अब ऐसा होगा क्या कि ऐसे ही चलता रहा, धीरे धीरे स्थितियां थोड़ी सी ठीक होने लगी, और बाद में हम इनकी कला की शिक्षा की बात करेंगे तो क्या होगा। कला की शिक्षा के लिए हमने बात की कि भाई पहले ही परिवार में कलाकार हैं तो वो रोकेंगे नहीं, वो कहेंगे भाई ठीक है तुम आगे बढ़ो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, 1940 से 1945 के बीच में अब ये जे स्कूल ऑफ आर्ट में चले जाएंगे और यहीं से ही अपनी कला की शिक्षा क्या करेंगे, ये पूर्ण करेंगे। इसके साथ धीरे धीरे क्या है, अब हमने बात की कि परिवार का जो स्थितियां हैं धीरे धीरे ठीक होने लगी थी, ये कला की शिक्षा भी ले रहे थे, और साथ में कहीं ना कहीं जो धनो अर्जन है वो भी होने लगा था। आगे चलकर स्थितियां थोड़ी और अच्छी हुई, और इनको हम देखेंगे कि भाई पेरिस में एकेडमी जूलियन तक ये ऐसा इंस्टीट्यूट था जहां पर ये कला के अध्ययन के लिए जाते हैं, ठीक है जी। तो क्या है, हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पर कि भाई ये सेल्फ मेड मैन है, यहाँ पर चाहे किसी भी तरीके से, यानी कि भारत में ही इन्होंने अपनी शिक्षा नहीं प्राप्त की, भारत के बाहर भी क्या है ये शिक्षा के लिए गए। अब जब ये एकेडमी जूलियन जो पेरिस में था वहां पर जब ये कला की शिक्षा ले रहे थे
तो यहाँ पर ये यूरोप की जो कला थी उससे भी इनको क्या है रूबरू होने का मौका मिला। अब बाहर गए हैं, वहां की संस्कृति की संस्कृति को वहां की कला को भी अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक, अब होगा क्या, इसी क्षेत्र में ये कार्य करना शुरू कर देंगे, यानी कि जैसा देश वैसा भेष। अभी ये जब पेरिस में होते हैं तो वहां पर ये यूरोपियन शैली के भी कुछ चित्र बनाते हैं। वहां पे जो उस समय की जो एरा था उस समय, यानी आधुनिकतावाद की जब हम बात करेंगे, तो उस समय पर जो कला की जा रही थी वो भी उस तरीके की पेंटिंग से बनाना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे लोगों में इनकी पहचान होने लगती है, इनकी सराहना की जाती है जो ये पेंटिंग्स वहां पर बना रहे थे। ठीक है, अब होगा क्या कि धीरे धीरे जी लोगों में बातचीत होने लगी है, और उसी का रिजल्ट हम लोग देखेंगे कि कला अकेडमी बर्लिन में इनको एज अ मेंबर जो है ये वहां पर ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि वहां के ये एक सदस्य के रूप में कार्य करना आरंभ कर देते हैं। अब यूरोप में है और किसी कलाकार से प्रभावित ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये एक फ्रेंच कलाकार है, गोगा और पॉल सेजा, उनकी पेंटिंग से काफी प्रभावित थे। कहीं ना कहीं कुछ एक पेंटिंग्स हमें इनकी ऐसे दिखाई देती हैं जहां पर उनका प्रभाव दिखाई देता है, कुछ एक नहीं कह सकते, काफी पेंटिंग्स हैं जहां पर इनका प्रभाव, गोगा और पॉल सेजा की पेंटिंग्स का प्रभाव इनकी पेंटिंग्स पर भी हमें देखने को मिलेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि भाई ये कौन से यूरोपीय कलाकारों से प्रभावित थे, तो किससे थे, गोगा और पॉल सेजा से प्रभावित थे। इनिशियली 1008 वाला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसको आपने ध्यान से देखना है, बाकी कहानी तो हमारी चल ही रही है जी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक ऐसे कलाकार की हम लोग बात कर रहे हैं जिनकी कलाकृतियों के बारे में कहा जाता है केरल चरण की कलाकृतियां मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसा कौन सा कलाकार है जिनकी कृतियों को, जिनकी प्रारंभिक कलाकृतियों को हम लोग केरल चरण के नाम से जानते हैं, तो वो कौन है, वो है के हेब्बर सर। कौन है जी, के हेब्बर, जिनकी प्रारंभिक कलाकृतियों को हम केरल चरण के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, ऐसा क्यों है, इनकी प्रारंभिक कलाकृतियों को हम लोग केरल चरण के नाम से क्यों जानते हैं। हमने बात की थी कि भाई बचपन से ही गांव में रहे, गांव का परिवेश देखा, इसीलिए इनको कहा भी जाता है कि भारतीय जो विषय है वो इनकी पेंटिंग्स में दिखाई देते हैं, और वो भारतीय विषय इज इक्वल टू ग्रामीण जीवन, है ना, खेतों में लोग काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारी गतिविधियां हैं जो उनकी पेंटिंग्स में दिखाई देंगी, लेकिन उसके साथ हम जो ग्रामीण परिदृश्य है, परिवेश है, मुख्य रूप से परिदृश्य है, ब्यूटी है, सीनरी है, हरी भरी हरियाली है, वो देखने को मिलेगी, है ना। अगर हम बात करेंगे केरला की तो बहुत सारी चीजें हैं, पानी वहां का वो देख सकते हैं आप। ठीक है, तो और वैसे भी केरला के बारे में हम लोग क्या कहते हैं, केरला के बारे में ये कहते हैं कि गॉड्स ऑन ओन सिटी, है ना, यानी कि क्या है, वहां की जो ब्यूटी है, वहां की जो सुंदरता है वो अद्भुत है, और वो सुंदरता हमें किसकी पेंटिंग्स में दिखाई देगी, के हेब्बर सर की पेंटिंग्स में दिखाई देगी। अब मुख्य रूप से ये भी आपने ध्यान रखना है, केरला में भी मालावार और तुलुनाडु, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे संबंधित परिदृश्य के हेब्बर ने सबसे ज्यादा अधिक बनाए हैं, और इनके जीवन की, यानी जब इन्होंने एज अ प्रोफेशन पेंटिंग को अपने प्रोफेशन के रूप में चुना, इन्होंने प्रारंभिक प्रोफेशनली पेंटिंग्स बनाना जब आरंभ की थी, तो इन्होंने सबसे पहले क्या है ये परिदृश्य बनाए हैं, क्या है ये परिदृश्य बनाए हैं, कहाँ के जी, मालाबार और तुलुनाडु के, जिसको इन पेंटिंग्स को किस चरण में रखा गया है, इनके केरल चरण में रखा गया है। अब यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया है कि इनकी ये जो प्रारंभिक पेंटिंग्स हैं उनको केरल चरण के नाम से क्यों जाना जाता है। ठीक है, और हमें पता है जब भी हम केरला की बात करते हैं ना, हम लोग तो घूमने जाते हैं, ड्रीम डेस्टिनेशन है हम सारे भारतीयों का, या तो जी पहाड़ देख लें या केरला जाएं जहां पर थोड़ी सी हमें ब्यूटी देखने को मिले, शहरों की भाग दौड़ से अलग, है ना, जो हमारी प्रकृति है उसकी सुंदरता देखने को मिले। तो जब हम ऐसे क्षेत्रों की बात करते हैं तो या तो आप कहेंगे जी उत्तराखंड चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, और दूसरा नाम सबसे पहले आता है जी केरला का, है ना, जब हम सिर्फ और सिर्फ नेचर की ब्यूटी की बात करते हैं। ठीक है जी, तो चलिए यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद बात करेंगे इनके चित्रों की विषय वस्तु, अभी तो मैम ने ऑलरेडी बताया, अब वैसे भी देख लीजिए कि इस विषय वस्तु में, यानी कि के हेब्बर को एक ऐसे कलाकार के रूप में जाना जाता है जिनके विषयों में भारतीय ग्रामीण विषय, यानी जिनके चित्रों में भारतीय ग्रामीण विषय जो है वो दिखाई देंगे, और ये वो कलाकार है जिन्होंने भारतीय ग्रामीण जो परिवेश था उसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाया है। ठीक
ठीक है, यानी कि देखिए अभी जब हम इनके एग्जीबिशंस की बात करेंगे तो ये उन कलाकारों में से हैं जिनकी शायद सबसे ज्यादा एग्जीबिशन लगी है। अगर यानी हम बात करते हैं कि भारत के टॉप 10 वो कलाकार जिनके एग्जीबिशन विदेशों में भी शायद सबसे ज्यादा दिखाई गए हैं, उनमें से एक इनका नाम भी आता है। और इनको हम किस रूप में जानते हैं कि भाई जो हमारे भारतीय भारतीय जो ग्रामीण परिवेश था उसको इन्होंने क्या है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वहां के कलाकार हैं वहां की पब्लिक है उनको इन्होंने दिखाया है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब जैसे हमने बात की कि भाई जो इनके शुरुआती चित्र हैं एक तो हमें पता चल गया केरल चरण, ठीक है जी, प्रारंभिक, उसके साथ साथ ग्रामीण जीवन, ठीक है, ये भी इनके प्रारंभिक चित्र ही हैं। लेकिन एक जब हम केरल चरण की बात करेंगे उसमें प्राकृतिक दृश्य आएंगे, और बाकी जब हम ग्रामीण प्रारंभिक ग्रामीण विषयों की बात करेंगे ग्रामीण जीवन की बात करेंगे तो एक तो क्या है ग्रामीण जीवन में जी खेत है, नृत्य में लगे हुए लोग हैं, हम लोग जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं होली दिवाली रंगोलियां बनाते हैं घर के आंगनों में, चाहे उनकी बात कर लें, चाहे महिलाएं आपस में चुगली कर रही हैं, चाहे जी नृत्य कर रही हैं, चाहे शादी समारोह है संगीत समारोह है ना, भजन कीर्तन हो रहा है सत्संग हो रहा है, हर एक चीज को इन्होंने अपनी पेंटिंग्स में दिखाया है। यानी कि यहाँ पर मुर्गों की लड़ाई से लेकर यहाँ पर आपको गांव में जो मंदिरों में पूजा पाठ और अनुष्ठान किए जाते हैं वहां तक की सारी पेंटिंग्स आपको यानी सारे विषय इनकी पेंटिंग्स में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। चाहे वो त्योहार है चाहे वो मुर्गों की लड़ाई है, हमने बात की ना मुर्गे चाहे पहलवानी कर रहे हैं जो भी है, बस आपको लोगों का जरूर किस भी रूप में वो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो आपको जरूर दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि भाई ये जो मुर्गों की लड़ाई है की एक पेंटिंग जो बहुत ज्यादा फेमस है, आज मैं आपको दिखाऊंगी भी कि उसको क्यों उन्होंने बनाया था। कभी कभी ऐसे विषय आपको पेंटिंग्स में देखने को मिलते हैं जहां पर ये समझ नहीं आता हम लोगों को कि भाई हमारे जो पेंटर्स हैं उन्होंने ये विषय क्यों उठाए होंगे। तो देखिए जब हम ग्रामीण जीवन की बात करते हैं ना तो वहां पर इन्होंने जो जो देखा वो इन्होंने बनाया, और कहीं ना कहीं इसीलिए भाई जो लोगों को पसंद आ गया वो क्या है वो हाईलाइट हो गया। अगर आज की डेट के साथ आप थोड़ा सा इसको हम लोग कहेंगे ना रिलेट करेंगे तो इट्स लाइक जैसे टिकटॉक है या इंस्टाग्राम पे कोई रील आपकी वायरल हो जाती है ना, इट्स लाइक दैट कि आपको नहीं पता है कि आप जो रील्स बना रहे हैं मैक्सिमम आप में से 90% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अपने रील्स पे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है जी, वेस्ट करते हैं या कुछ जो है प्रोफेशनली भी इसको लेके चलते हैं तो वेस्ट नहीं कह सकते लेकिन इन्वेस्ट जरूर कह सकते हैं, ठीक है। तो यू नेवर नो कि आपकी कौन सी रील जी वायरल हो जाए, है ना। तो इनके साथ भी बिल्कुल वैसे है कि ग्रामीण विषय के इन्होंने काफी चित्र बनाए, उसमें से मुर्गों की लड़ाई है विवाह समारोह है, ये कुछ वो पेंटिंग्स हैं जिनको बहुत ज्यादा सराहा गया यानी जो वायरल होगी, ठीक है, आज के समय के हिसाब से अगर हम बात करें, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे मुख्य रूप से, अभी हमने जी देख लिया थ्योरी में कि किस तरीके के विषय थे और क्या क्या इन्होंने बनाए। अब आप देख सकते हैं इनकी पेंटिंग्स यानी कि गांव में बात करेंगे ना कि भाई चाहे होली है चाहे दिवाली है इस तरीके की गली में लोग आपके सामने आते हैं जो ढोल बजाते हैं और त्योहारी लेते हैं, इट्स लाइक दैट, ठीक है। कोई भी फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जा रहा है वहां पर हम देख सकते हैं जी दो ड्रमर हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। गांव में तो आपको पता है हमारे जो भारतीय गांव है वहां पर ये सब चीजें जो है क्या है जैसे ही किसी ने ढोल पे थाप लगाई नहीं कि अगल बगल के सारे बच्चे जो भी लोग हैं सब लोग नाचना शुरू कर देते हैं, यानी कि क्या है आपको कहीं ना कहीं जो शहर की भीड़ भाड़ भाग दौड़ वाली जिंदगी है उससे ब्रेक अगर आपको लेना है, मैक्सिमम लोग यही करते हैं हॉलीडेज में सबसे पहले गांव भागते हैं और उनमें से एक मैं भी हूँ, ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें अच्छी भी लगती हैं और कहीं ना कहीं हमारे जो भारतीय जो हमारे समकालीन या आधुनिक चित्रकार रहे हैं ये जो इनके जो विषय थे जो इनकी पेंटिंग्स में हमें दिखाई देते हैं तो ये इनके जीवन से संबंधित वो पहलू हैं वो चीजें हैं वो घटनाएं हैं जो इन इनको इन पेंटिंग्स के साथ रिलेट करती हैं, ठीक है जी। ओके ओके इट्स ओके, कोई बात नहीं है जी। हाँ बिल्कुल, भिखारी होली ढोलक वादक है तमाशा नाटक विवाह उत्सव मुर्गे की लड़ाई बिल्कुल सब आपको देखने को मिलेंगे अभी, ठीक है बिल्कुल। और अब आपको समझ में आ गया कि अब मान लीजिए इस तरीके का कोई टॉपिक उठा के दे दिया जाता है तब आपको पता होगा कि भाई कौन से चित्रकार ने ये पेंटिंग्स बनाई होगी, ठीक है जी। अब बात करेंगे, ये तो होगी हमने बात की इनके आरंभिक चित्रों में जहां पर हमें ग्रामीण जीवन और साथ में प्राकृतिक परिदृश्य देखने को मिलेंगे। प्राकृतिक परिदृश्य इज इक्वल टू केरला चरण, और जब हम भारतीय विषयों की बात करेंगे इज इक्वल टू ग्रामीण जीवन, किसका, के हेब्बर सर का, ठीक है जी। जो भी इनकी लाइफ रही है वो सारी के सारी इनकी पेंटिंग्स में हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर क्या है, अब देखिए हमने बात की ना कि जब आप मार्केट में हैं तो यहाँ पर ये चीजें नहीं देखते ना हम लोग कि भाई बात करेंगे शिखा शुक्ला है,
ठीक है, शिखा शुक्ला है। मान लीजिए शिखा, आपका जो गांव है, आपने जो प्रारंभिक अपनी पेंटिंग्स बनाई हैं, मैं आज आपको कुछ पेंटिंग्स दिखाऊंगी भी, ठीक है, कि आप जहां से आ रही हैं, आपका एक बड़ा अच्छा आपका कोई फेवरेट टॉपिक है, उस पे आपने खूब पेंटिंग्स बनाई, खूब पेंटिंग्स बनाई। अब होगा क्या, कुछ समय के बाद आपको लगेगा, आपको अपने अंदर से आवाज आएगी कि मुझे अब थोड़ा सा इन सब चीजों में ब्रेक देना चाहिए, कुछ अलग ट्राई करते हैं। अगर हमेशा एक ही चीज रोज, अगर दाल चावल रोज दाल चावल खाएंगे, कब तक खा पाएंगे? बीच में सब्जी भी चाहिए, निमोना भी चाहिए, है ना, तहरी भी चाहिए और कढ़ी भी चाहिए। तो क्या है, तो बीच बीच में ये आपको ब्रेक चाहिए होता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि यहाँ पर इनके बाद जो है, जब इनके प्रारंभिक चित्र हम देखेंगे जो काफी समय तक ये बनाएंगे, उसके बाद इनके जो विषय हैं या इनके जो चित्र है, शैली है, उसमें हमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। अब ये चेंज किसकी वजह से आया है, क्या रीजन है? मान लीजिए हमने बात की कि अभी हमने बात की थी ना, किसकी बात की थी हमने, प्रियंका की बात की थी, चेष्टा की, अनुराधा की, किसकी बात की थी, आई डोंट नो, ठीक, किसी की बात की थी, अभी प्रियंका की बात की थी शायद, ठीक है, कि भाई स्टार्टिंग में आपने एक विषय पर चित्र बना रहे हैं, उसके बाद आपने सोचा कि अब मुझे किसी और विषय पर चित्र बनाने हैं, कहीं से तो दिमाग में आया होगा, शायद आपकी पेंटिंग्स नहीं बिक रही हैं, आपको मार्केट के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ सकता है। एक चीज ये हो सकती है। दूसरी चीज क्या होती है कि आप कहीं से इंस्पायर हुए हैं, आपको लगा कि भाई मुझे भी ऐसे ही काम करना है, मैं भी इसको ट्राई करती हूँ, हो सकता है लाइक दैट, जैसे आजकल ट्रेंडिंग वीडियोस होते हैं, एक कोई वीडियो अच्छा चल जाता है, सब लोग उसको कॉपी करते हैं, ठीक है, तो इसको आप उस तरीके से भी ले सकते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, यानी कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है जब आप अपनी शैली में परिवर्तन करते हैं, चाहे वो आपका कोई पर्सनल रीजन हो, चाहे प्रोफेशनली आप किसी से प्रभावित हो, कुछ भी हो सकता है। इनके साथ भी ये हुआ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखिए, जब प्रोफेशनली जो है बहुत अच्छी जो है इनकी जर्नी चल रही है, लेकिन इन्होंने अनंत कुमार स्वामी के कुछ लेख इन्होंने पढ़े, ठीक है, किसके, अनंत कुमार स्वामी के, जो कला इतिहासकार हैं, इनकी कुछ बुक्स पढ़ ली, इनके कुछ लेख पढ़े, जहां से इंस्पायर हुए, इन्होंने भारतीय चित्रकला के ऊपर, हमें पता है, और बाकी भी कला के ऊपर इन्होंने काफी सारी बुक्स लिखी हैं। पहले तो ये वहां से इंस्पायर हुए जी, जहां से इनको लगा कि मुझे अब इस तरीके की पेंटिंग या इस तरीके की कला अपनी चेंज करनी चाहिए। वहां से जैन पांडुलिपियों की हम बात करेंगे, राजपूत और मुगल पेंटिंग्स की बात करेंगे, लघु चित्रों की बात करेंगे, अजंता की गुफाओं की चित्रों की जो इन्होंने परिलिपियां देखी उनकी बात करेंगे। इसके साथ साथ अमृता शेरगिल से ये मिलते हैं, कहाँ पर मिले थे, अमृता शेरगिल से, ये अमृता शेरगिल से ये मिले थे बी सी सान्याल, ठीक है जी, बी सी सान्याल, यानी कि बात करें बी सी सान्याल, ठीक है, इनके स्टूडियो में मिलते हैं दिल्ली में, इससे अमृता शेरगिल से, किससे मिलते हैं जी, अमृता शेरगिल से। अब यहाँ पर अमृता शेरगिल की ये कुछ पेंटिंग्स देखते हैं, ये पहली बार इनसे यहीं पर दिल्ली में बीसी सान्याल सर के स्टूडियो में मिले थे, और उसके बाद ये इनकी पेंटिंग से बहुत ज्यादा अधिक प्रभावित थे, और इन्होंने इनकी काफी उसके बाद पेंटिंग से देखी, और उसके बाद इनको भी लगा कि भाई अब इनको अपनी शैली में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये पूछा जाता है, कभी वैसे पूछा नहीं जाता कि भाई ये प्रथम पहली बार वो उनसे कहाँ पर मिले थे, बीसी सान्याल सर के स्टूडियो में सबसे पहले मिले थे। इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1947 के बाद जब बीसी सान्याल सर जो है भारत वापिस आ जाते हैं लाहौर से, तो दिल्ली के कनॉट प्लेस में गोल मार्केट में अपना एक स्टूडियो बना लेते हैं, और वहां पर हमने देखा है कि हमेशा कलाकारों का हुजूम रहता था। अब उसी हुजूम में हमने कहा कई कहानियां वहां की जो है हमें पढ़ने को मिलती हैं, कई किस्से पढ़ने को मिलते हैं। वहां पर एक किस्सा ये भी है कि भाई जी के हेब्बर सर जो है पहली बार अमृता शेरगिल से वहीं पर मिले थे, और वहां पर इनकी पेंटिंग से ही बहुत ज्यादा अधिक प्रभावित हुए थे, और उसके बाद इनकी पेंटिंग्स में भी हमें कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं, या अगर इनकी पेंटिंग से प्रभावित होकर भी इन्होंने कई पेंटिंग्स बनाई थी, ठीक है, तो ये कहानी जी यहाँ से शुरू हुई थी। थैंक यू सो मच। हाँ इट्स ओके, सुनते रहिए, पढ़ेंगे, यही हर जगह लिखा है, लेकिन जो कड़ियां है ना वो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ी हैं, अगर इन्होंने अपनी लाइफ में, जैसे हमने बात की ना कि ये विषय बनाए, भाई रीजन क्या था, क्यों बनाए, उसके बाद चेंज किया, उसका रीजन क्या है, क्यों बनाए, क्यों उन्होंने चेंज किया, सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मैं आपको कहानियां बता रही हूँ जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, ठीक है, बाकी सब ये पढ़ाते हैं कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कौन कौन सी फेमस पेंटिंग्स हैं सब पढ़ाते हैं, कौन से इनको सम्मान मिले सब पढ़ाते हैं, यही आपको हर बुक में मिलेगा, लेकिन जो कहानियां मैं आपको बता रही हूँ ये आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी, ठीक है, जो इनकी ओरिजिनल कहानी है जी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
ठीक, चलिए तो यहां तक समझ में आ गया। चलिए जी, अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि देखिए इतना सब कुछ था, यानी कि इनका हम शोध देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि आपने एक बुक पढ़ी और उसके बाद आपका माइंड चेंज हो गया, आपने उसको परिवर्तित कर दिया, एकदम जी क्या हुआ, जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी अब इसके बाद तो ये बनाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता कभी भी। ठीक है, देखिए चाहे अनंत कुमार स्वामी की बात करें, पांडुलिपि है, जैन पांडुलिपियों की बात करें, मुगल है, राजपूत शैलियां हैं, हमारे जो परंपरागत शैलियां हैं, सबके बारे में इन्होंने अच्छे से शोध किया और उसके बाद इनकी जो शैली है वो हमें थोड़ी सी अलग देखने को मिलेगी, यानी सबका मिक्सचर जो है वो आपको इनकी शैली में देखने को मिलेगा, और इसीलिए आज हम और आप इनके बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनकी शैली में बाद, चाहे प्रारंभिक शैलियों की बात करें, चाहे बाद के चित्रों की बात करें, कहीं ना कहीं हमें वो विषय मिलते हैं, कहीं ना कहीं वो हमें पेंटिंग उस तरीके की इनकी मिलती है, जिनका प्रभाव आज तक भी सबके ऊपर पड़ता है, और आज भी हम इनके विषय, इनके पेंटिंग्स को देखते हैं, और आज हम इनके बारे में और आपके बारे में पढ़ रहे हैं, और ये एक ऐसे कलाकार बन गए हैं, यानी कि जिनके बिना अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो जी आपको सरकारी नौकरी भी नहीं मिल सकती। ठीक है, तो क्या है, अगर चेंज करना है तो ऐसा चेंज करें कि लोग मजबूर हो जाएं आपको अपनाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये सबके लिए मोटिवेशन है। ठीक है, कि पहले जो लोग आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अपने आप को उस लेवल तक लेके जाइए, उस एक्सट्रीम इंफिनिटी लेवल तक जाइए कि लोगों की मजबूरी हो जाए कि भाई आपके बिना उनका काम नहीं चले, है ना, उनकी मजबूरी हो जाए यानी कि अगर आप इनके बारे में आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलनी है, अब आपके ऊपर है, इनको आपने स्वीकार करना है तो करिए, नहीं करना है तो आपका लॉस है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए बात की हमने कि भाई अब इनकी पेंटिंग्स में हमें चेंज देखने को मिलेगा, जो बहुत अधिक अच्छी सुंदरता है ना, हमेशा हर चीज सुंदर जो होती है उसके साथ कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमें शायद अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है, या हम ये नहीं कह सकते कि एक चीज का आप सिर्फ एक पॉजिटिव साइड दिखा सकते हैं, वहां पर कुछ और भी चीजें हैं, नेगेटिव साइड्स भी कह सकते हैं, या कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जिनके बारे में शायद हम नहीं बात करना चाहते हैं, तो वो बाद में ये चेंज आया कि वो बाद में इनकी पेंटिंग्स में हमें देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता के साथ, ग्रामीण दृश्यों के साथ जो बड़े अच्छे अच्छे थे, बड़े मनमोहक लग रहे थे, उनके साथ इन्होंने उन परिस्थितियों को भी दिखाया, चाहे वो भारतीय, हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें चाहे शहरों की बात करें, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करेंगे कि जब सूखा अकाल पड़ा, जो इनकी क्या है फेमस कृति है इस तरीके की, तो उसके जो साइड इफेक्ट या उसके कारण जो है लोगों का जीवन कैसा हो जाता है। ठीक है, खाने पीने के लिए कुछ है नहीं, आपको लोग कंकाल के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि उस पॉजिटिव साइड के साथ जो अच्छाई है उसके साथ जो इसका नेगेटिव व्यू है वो भी हमें देखने को मिलेगा, अच्छाई के साथ कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनके बारे में शायद कोई व्यक्ति सोचना भी नहीं चाहता। ठीक है, वो भी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है जी, चलिए अब इसके बाद बात करेंगे इनकी कुछ पेंटिंग्स की। ठीक है, और देखिए कुछ पेंटिंग्स नहीं है, 2 पेज की पेंटिंग्स है, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है जी, एक इनकी पेंटिंग है हिल स्टेशन, बहुत बार पुलिस पूछी जाती है हिल स्टेशन जो है के हेब्बर सर ने भी बनाई है, और ऐसी एक पेंटिंग हमें किसकी देखने को मिलती है, ऐसी पेंटिंग हमें अमृता शेरगिल की भी देखने को मिलती है, बेंद्रे सर की भी हमने देखी है, मुख्य रूप से जो इनका हिल स्टेशन है उसमें क्या है जी, ये 3 व्यक्तियों को आप बैठे हुए देखेंगे। ठीक है, और कहा यही जाता है कि कहीं ना कहीं अमृता शेरगिल से प्रभावित होकर उन्होंने इस तरीके की, या ये जो पेंटिंग है ये बनाई है, हिल स्टेशन बाय के हिब्बर, इसको आप देख सकते हैं, बहुत बार ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है जी, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है, देख सकते हैं आप। ठीक है जी, चलिए अब इनकी एक पेंटिंग आपने देख ली, अब इसके बाद बात करेंगे जी, मेडनहुड है, कॉक फाइट, फोक रिदम, पूर्णिमा, आकाश पर प्रवाह, श्रद्धा, श्रद्धा ये भी प्रीवियस ईयर्स में इसके बारे में पूछा गया था किसकी पेंटिंग है, तो ये भी के हब्बर की है, खोज है, अन्वेषण है, कला केव्स, सॉरी कारला केव्स, भिखारी ये भी पूछा जा चुका है, और भिखारी जो पेंटिंग्स है ना गाइस, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर, बहुत सारे पेंटर्स ने इसको बनाया है, पीसी सान्याल सर ने बनाया है, अमृता शेरगिल ने बनाया है, के हेप्पर ने बनाया है, लाइन लगी पड़ी है। ठीक है, लेकिन बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये आपसे पूछा जाता है कि ये पेंटिंग किसकी है, तो आपने वहां पर ऑप्शन देखनी है कि भाई इन ऑप्शंस में कौन कौन से जो है कलाकार हैं, आपको क्या आंसर देना है। उसके बाद हंगरी सोल है, इसके बारे में भी ये पेंटिंग मैं आपको दिखा चुकी हूँ, काफी फेमस पेंटिंग है और इससे भी संबंधित क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है। श्रॉम है, विवाह उत्सव, विवाह उत्सव अगर हम 90s की बात करेंगे ना, 90s की
उस समय कुछ 90s की अगर दशक की बात करेंगे, जब इन्होंने ये पेंटिंग बनाई, उसके बाद ये पेंटिंग इतनी ज्यादा फेमस रही थी, बहुत अधिक फेमस रही थी। लोगों के जो हमने देखे ना, जो वेडिंग इनविटेशंस होते हैं, जिसको हम वेडिंग कार्ड्स कहते हैं, ठीक है जी, उस तक पर ये पेंटिंग्स हमें उस समय पर बहुत अधिक देखने को मिलती थी। और आज भी कई ऐसे कलाकार हैं, या आज ऐसे भी अगर हमारे और आपके जैसे कई पागल से कलाकार होंगे, तो आप जरूर कोशिश करेंगे, जो एक कला का टच है, वो एक कलाकार का जो टच है, वो शायद आपके जीवन के उस एक, हम घटना नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि उस पार्ट, जब आप अपनी एक नया अध्याय आप अपनी लाइफ में जोड़ रहे हैं, तो वहां पर इस तरह की इफेक्ट देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा फेमस रही थी, विवाह उत्सव देखा भी होगा कई लोगों ने जी, बहुत। और अभी भी कई ऐसे वेडिंग कार्ड्स होंगे जहां पर आपको ये जरूर देखने को मिलती है पेंटिंग्स, ठीक है जी। तो इसके बाद समझ में आया होगा कि जी ये पेंटिंग्स इतनी ज्यादा देखने को क्यों मिलती है, रीजन क्या है, ठीक है जी। तो ये क्या है, विवाह उत्सव है, क्योंकि ये एक मास्टरपीस है, बहुत अधिक ये पेंटिंग फेमस रही थी, ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद बात करेंगे दक्षिण भारत के हाट, जो इन्होंने अमृता शेरगिल से प्रभावित होकर बनाई है। पर्वत धारा है, अज्ञात की ओर संगीत है, होली है, और भारतीय संगीत को श्रद्धांजलि। अब इसके बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई है, दीपावली है, मोरगों की लड़ाई है, श्रमिक है, धूप दीप्ति, मयूर। इनका जो मयूर है वो थोड़ा सा अलग मयूर है, क्योंकि बाकी जो कलाकार हैं उनके मयूर कैसे होते हैं, उनके मयूर कुछ ऐसे होते हैं, है ना, यही देखा है भाई, मयूर होते ही ऐसे हैं, मयूर होते ही ऐसे ना, मोर ऐसे ही होता है, लेकिन इनका मयूर बहुत अलग है। इनका मयूर जो है इन्होंने डिब्बे में पैक किया है, डिब्बे में पैक किया है, यानी कि इनका मयूर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे इसी शेप में जी, बिल्कुल इस शेप में इनका मयूर आपको देखने को मिलेगा। जो बाकी कलाकार है उनके मोरों से इनका मोर बहुत अलग है। इन्होंने कहा भी मेरा मोर मेरी मर्जी, मैं ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पर कि इनका इनका जो मयूर है या मोर की जो पेंटिंग है वो फेमस क्यों रही है, उसके पीछे ये रीजन है, ठीक है जी, ठीक, उसके पीछे ये रीजन है। चलिए अब आपको पता चल गया। अब इसके बाद बात करेंगे जी, सांझ नर है, अजंता, माँ बेटी, मवेशी, पनघट, यमुना पर जीवन, सुनहरे और लाल जाड़े की रात है, और धान कूटते हुए, ये सब क्या है, ये इनकी फेमस पेंटिंग्स हैं। चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या बाद में आपको कंटेंट तो मिल ही जाएगा, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी इनकी प्रमुख कुछ पेंटिंग्स हैं। इसके साथ अगर हम बात करेंगे कि इनकी जो फेवरेट कलर्स हैं वो कौन से हैं, तो देखिए इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो आपको खूब अच्छे चटकीले रंगों में देखने को मिलेंगी। उसमें चाहे आप लाल रंग की बात करें, भूरे रंग की बात करें, गहरा भूरा उसमें भी ठीक है, नीला, पीला, हरा, पिकॉक ब्लू, ये कलर इनको बहुत पसंद था। ये सारे ये रंग जो है इनके काफी फेवरेट थे, और यानी कि सारे रंगों का प्रयोग जो है आपको इनकी पेंटिंग्स पर देखने को मिलेगा। अब आपके सामने मुर्गों की लड़ाई, ठीक है, दो मुर्गे हैं वो लड़ रहे हैं, और यहाँ हमारे सारे क्लास के जितने भी कलाकार हैं सब आपको देखने को मिल रहे हैं, सब हंस रहे हैं जी, इनको बड़ा मजा आ रहा है, दो मुर्गे आपस में लड़ रहे हैं और इनको बड़ा मजा आ रहा है ना तो ये क्या है जी, ये दो मुर्गों की लड़ाई है, ठीक है जी, इसके बारे में पता होना चाहिए सबको जी, बिल्कुल, चटक रंगों का प्रयोग किया है। बबीता याद नहीं रखनी है, पेंटिंग्स याद नहीं रखनी है, पेंटिंग्स को समझना है, आपको पता चल गया। देखिए पेंटिंग्स का अगर आप शीर्षक देखेंगे तो कैसे शीर्षक है, यानी कि टाइटल्स की अगर बात करेंगे, जो गांव में होता है, पनघट है, मुर्गों की लड़ाई है जो आपके सामने है, और विवाह उत्सव है, या फिर और भी हमने देखा, दिवाली, होली, हमने कहा ना कि भाई गांव में रहे थे, उन्होंने सारे इस तरीके के फेस्टिवल देखे हैं। और खासकर जब हम के हेब्बर की बात करेंगे, इन्होंने सबसे ज्यादा ग्रामीण विषयों पर पेंटिंग्स बनाई है, सबसे ज्यादा, इसीलिए इनकी शैली को भारतीय शैली भी कहा गया है, सॉरी भारतीय शैली नहीं, इनको भारतीय विषयक, है ना, भारतीय विषयक कहा गया है इनके जो चित्र हैं। तो यहाँ पर जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल सही कह रही हैं, आता भाग तो बाहर आ जाता है, बिल्कुल, तो ये तो होगा ही। हाँ, कविता का जन्म, बांग्लादेश का जन्म, बिल्कुल साधना, बिल्कुल सारे के सारे इनकी पेंटिंग्स हैं। अब वो यहाँ पर क्यों नहीं डाली है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स है ना जो मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ। कविता का जन्म हम देख चुके हैं, ठीक है, दो व्यक्ति जो है वहां पर हमने देखा है ना कि ऐसा लग रहा है जैसे कविता जोर से गा रहे हैं, है ना। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे बांग्लादेश का जन्म, वो भी हमने देखी है, ठीक है जी
चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है जी, तो पेंटिंग आपने देख ली, मुर्गों की लड़ाई। अब इनकी बात करेंगे प्रमुख प्रदर्शनियां। देखिए इनकी पेंटिंग्स बहुत ज्यादा और बहुत जगह पर जो है ऑर्गेनाइज कराई गई है। इनकी एक पेंटिंग थी वुमेन बाथिंग, ठीक है, वुमेन बाथिंग। 1946 में यूनेस्को ने एक पेंटिंग्स की एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कराई थी मूसी डी आर्ट मॉडर्न डे पेरिस में, ठीक है जी। यहाँ पर ये वुमेन बाथिंग जो है इसको दिखाया गया था। और इस प्रदर्शनी तक आपको पता है कि जो पूरे विश्व के सबसे, अगर हम बात करेंगे, टॉप 10 आर्टिस्ट होते हैं, यानी कुछ आर्टिस्ट की ही पेंटिंग्स यहाँ तक पहुंच पाती है, उनमें से इनकी एक पेंटिंग थी वुमेन बाथिंग, ठीक। उसके बाद बात करेंगे जी सैलून डी माई है, वेनिस बिएनेले है, बहुत जगह पर। आप बात करेंगे आर्ट नाउ प्रदर्शनी है लंदन, ब्रुसेल्स में, हर जगह पर इनकी जो पेंटिंग्स हैं इनकी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कराई जा चुकी है। इनमें से आज तक कभी पूछा नहीं गया है। हो सकता है कभी अगर पूछा जाए वुमेन बाथिंग के बारे में, ये पूछा जा सकता है वुमेन बाथिंग किसकी पेंटिंग है, तो वैसे तो इस विषय पर बहुत सारे कलाकारों ने पेंटिंग बनाई है, लेकिन इनकी वुमेन बाथिंग इसलिए ज्यादा जो है वो चर्चा में थी क्योंकि इनकी इस पेंटिंग को जगह मिली थी कहाँ पर, यूनेस्को ने जो पेंटिंग एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कराई थी वहां पर, ठीक है। तो इसको आपको देख लेना है, बाकी एक बार सबको देख लीजिए। इसके बाद साओ पालो, यहाँ पर भी 1959 में इनकी पेंटिंग्स को दिखाया गया था, टोक्यो विनेले में, हर जगह। लेकिन अब उसके बाद जब हम अपने भारतवर्ष की बात करेंगे, यहाँ पर 1971 में दिल्ली रविंद्र भवन में भी इनके जो ये कार्य कर चुके थे उन सारे कार्यों को क्या किया गया था, कंपाइल करके यहाँ पर दिखाया गया था। कब? 1971 में रविंद्र भवन में, यानी कि कुछ सिलेक्टेड पेंटिंग जो है इनकी पुरानी भी, बड़े फेमस इनके कार्य थे जो पहले कर चुके थे, उनको दिखाया गया था कहाँ पर, एग्जीबिशन के रूप में दिल्ली रविंद्र भवन में, ठीक है जी। अब बात करेंगे पुरस्कारों की, बहुत अधिक इनको पुरस्कार मिल चुके हैं, इतनी इन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं, ठीक है जी। ओके, पूनम देवी जी, पूनम आप क्या कह रही हैं? हाँ जी चलिए, वेरी नाइस। ठीक है गाइस, तो वापस आते हैं, बात करेंगे कि पुरस्कारों की। देखिए जब हम एग्जीबिशन की बात करते हैं ना, बड़ी बोरिंग लगती है कि भाई सन याद करना पड़ता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि अभी इस तरीके की आपको पूछा नहीं गया है। ज्यादातर ये पूछा जाता है कि भाई इनकी प्रारंभिक जो एग्जीबिशंस हैं वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराएगी, और जिन जिन कलाकारों की पूछी जाती है वो भी सबकी नहीं पूछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी एनर्जी को आपको बचा के रखना है, ठीक है, उसको यहाँ पर कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है। जो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनके बारे में मैं आपको सब बताऊं, लेकिन उन सब में भी आपको क्रीम कौन सी निकालनी है जो आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है या पूछी जा सकती है, उसी पर एनर्जी वेस्ट करनी है, ठीक है जी। तो देखिए कलकत्ता का स्वर्ण पदक इनको मिला है, बिल्कुल मिल चुका है, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का मिल चुका है, राज्य कला प्रदर्शनी पुरस्कार इनको मिल चुका है, कला अकादमी पुरस्कार इनको 3 बार मिल चुका है, ठीक है जी, मिल चुका है, बहुत बढ़िया, ठीक है। हमारे क्या है, सम्मानित कलाकार हैं। अब जो आपको पढ़ना है, 1961 में इनको पद्मश्री मिला है, ठीक है, क्या मिला है, 1961 में पद्मश्री मिला है और पद्म भूषण 1989 में मिला है, यानी इन दो को क्या करना है, घोल के पी जाना है, बाकी आपसे नहीं पूछा जाता है, ठीक है, एक बार देख जरूर लेंगे। मैसूर विश्वविद्यालय से मानद डीलिट की उपाधि इनको मिल चुकी है, ललित कला अकादमी का फेलोशिप इनको चुना जा चुका है, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार इनको मिल चुका है, ठीक है, जो अब नहीं पूछा जाता है। अब महाराष्ट्र शासन गौरव पुरस्कार इनको मिल चुका है, ये भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। कर्नाटक सरकार द्वारा वर्ण शिल्पी यानी कि वेंकटप्पा पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। अगर हम स्टेट के जो पुरस्कार थे उनकी बात करें तो मैक्सिमम जो बड़े बड़े स्टेट के पुरस्कार हैं वो इनको मिल चुके हैं, ठीक है जी। मुख्य रूप से क्या है, जो ब्लू में आपको दिखाई दे रहे हैं पद्मश्री और पद्म भूषण, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है जी। चलिए अब अगर हम बात करेंगे कि इनके चित्रों का संग्रह कहाँ पर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन्होंने एक पोर्ट्रेट बनाया था अबुल कलाम आजाद का, ठीक है, ये क्या है, ये व्यक्ति चित्र है, किसका है, अबुल कलाम आजाद का, ठीक है। इसको कहाँ पर, इनकी ये जो पेंटिंग है जो इन्होंने ये व्यक्ति चित्र बनाया था अबुल कलाम आजाद का, इसको संसद भवन नई दिल्ली में भी रखा जा चुका है, ठीक है, और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में भी इसको रखा जा चुका है। यानी कि अभी अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये पहले नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में थी ये पेंटिंग, उसके बाद अब ये पेंटिंग कहाँ पर है, संसद भवन नई दिल्ली में, ठीक है। तो यानी कि इनकी पेंटिंग को वहां पर भी स्थान दिया गया है,
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक दो बार ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसको आपको देख लेना है क्योंकि भाई इनके लिए सम्मान की बात है। इसके बाद देखिए, चाहे हम चंडीगढ़ म्यूजियम की बात करें, बैंगलोर वेकटंपा आर्ट गैलरी है, बैंगलोर के जो म्यूजियम है, एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट कोलकाता, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, ये भी एक बार पूछा जा चुका है। और इसके साथ विदेशों की तो जी कोई सीमा ही नहीं है, कई सारे जगह, कई सारी जो हमारी अदर कंट्रीज हैं वहां पर इनकी पेंटिंग्स अलग अलग संग्रहालयों में संरक्षित है, ठीक है। मुख्य रूप से आपको कौन कौन सी देखनी है जी, अब्दुल कलाम आजाद की पेंटिंग जिसके बारे में हमने बात की, उसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और बाकी भारत के भी कई संग्रहालयों में इनकी पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती है, ठीक है जी। चलिए अब बात करेंगे कि व्यक्तिगत जीवन की, ठीक है, सारी बात कर ली, कोई व्यक्तिगत जीवन की भी बात कर लेते हैं। 1935 में इन्होंने शादी कर ली, फिर इनकी पत्नी का नाम था सुशीला, ठीक है, इनकी पत्नी का नाम सुशीला था। इनका एक बेटा है जिसका नाम है राणा और दो बेटियां, एक का नाम रेखा, दूसरी का रजनी है। अगर हम बात करें कि बड़ी बेटी जिसका नाम रेखा राव है, ये एक समकालीन चित्रकार है, क्या है, समकालीन चित्रकार है। और दूसरी बेटी की बात करें जिसका नाम रजनी प्रसन्ना था, ठीक है, रजनी प्रसन्ना, ये एक भारतीय कला इतिहासकार है, क्या है, भारतीय कला इतिहासकार है। इनके बेटे के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है कि वो क्या करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं ना कि बेटियां किसी से कम नहीं है और बेटियां भी नाम रोशन करती है, तो एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी जो कई बुक्स हैं उनमें तो क्या है, जिनकी बेटियों के बारे में लिखा गया है कि वो क्या क्या काम करती है, कि बेटे के काम के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है, तो डोंट टेक इट अदरवाइज। थोड़ा सा बूस्टअप करने के लिए मैं आपको ये सब चीजें बताती हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे इनकी मृत्यु और उसके बाद इनकी विरासत की। बात करेंगे मृत्यु, देखिए तो कुछ समय नहीं कह सकते, काफी लंबे समय से इनको कुछ हेल्थ इश्यूज थे और कहीं ना कहीं वो जो हेल्थ इश्यूज हैं वो ही इनकी मृत्यु का कारण बने। 26 मार्च 1996 मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई थी लंबी बीमारी के बाद। और अगर इनकी विरासत की बात करें, यानी कि इनकी विरासत के रूप में हम लोगों के पास क्या है, तो हम लोगों के पास के हेब्बर फाउंडेशन है, क्या है, के हेब्बर फाउंडेशन है, और इसकी स्थापना इनके द्वारा ही की गई थी, इनके नाम पर की गई है मुख्य रूप से। इनकी जो बेटियां हैं मुख्य रूप से वो ही इस फाउंडेशन को आज भी देखती हैं। बात करेंगे तो यहाँ पर हर साल क्या है, प्रत्येक हर साल यहाँ पर 6 स्टूडेंट को क्या है, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दी जाती है, ठीक है, हर साल 6 बच्चे यहाँ से ऐसे निकलते हैं जिनको स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि वो कला के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे पाए, कला के क्षेत्र में ही उसको अगर बात करें भी एज अ प्रोफेशनली उसको चूज कर पाए, इनको हेल्प की जाती है, ठीक है, तो कितने 6 विद्यार्थी हर साल यहाँ से स्कॉलरशिप पाते हैं, ठीक है जी। अब बात करेंगे इनसे संबंधित कुछ एक दो चीजें और। 2021 में, भाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो 2021 में 110वीं जयंती इनकी मनाई गई है, किसकी, इनकी 110वीं जयंती मनाई गई है, मुख्य रूप से उसमें भी इनकी जो बेटियां हैं उन्होंने ही ये पूरा जो समारोह था उसको ऑर्गेनाइज कराया था, ठीक है, तो उस समय पर भी इनका जीवन, इनके जीवन में जो इन्होंने कार्य किए, चाहे प्रोफेशनली चाहे इनकी जो लाइफ रही हो, उसके बारे में पूरा का पूरा एक जैसे एक डॉक्यूमेंट्री मूवी होती है वैसे ही इनके कार्य को दिखाया गया था। और कब था ये, कौन सा सन था, 2021 लास्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जब इनकी 110वीं जयंती हम लोगों ने मनाई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई सारी बातें खत्म होगी, एक लाइन यहाँ पर लिखी गई है और ये लाइन इनकी बड़ी फेमस है, रीजन क्या है, क्योंकि ये किसी स्टेट एग्जाम में भी पूछा गया है कि ये लाइनें किसकी हैं, ठीक है, देखिए कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना है, यानी वो समय गए जब क्या है राजा महाराजा और गुरुजन जो थे वो कलाकारों को संरक्षण देते थे, अब आपको अपने आप को क्या करना है, कहीं पर भी अपने आप को स्टेबल करना है, आप अपनी जगह आपको स्वयं बनानी है, तो ये किसने लिखा है, ये लिखा है, ये लाइंस किसकी है, पंक्ति किसकी है, के हेब्बर की है। तो आज चलिए ठीक है जी, तो आज का ये जो लाइंस हैं जो हमारे आज के कलाकार की हैं, तो यहाँ से कुछ ना कुछ चीजें आपको भी सीखने को जरूर मिलेंगी, ठीक है, और उसके बाद जी बिल्कुल दिल लगाकर पढ़े, मजे से पढ़े, है ना, ये पढ़ाई को अगर ये सोच के पढ़ेंगे ना, ये हमेशा अगर आप ये सोचेंगे ना कि पढ़ना है तो वो कहीं ना कहीं प्रेशर दिमाग पे आता है, पढ़ना नहीं है सीखना है बस। जब ये होंगे ना कि कुछ नया जानने को मिलेगा, आज की कहानी जो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाली है, आज का जो शाम का सेशन है कुछ नए क्वेश्चन आने वाले हैं, जब ये दिमाग में रहेगा ना
मन लगेगा पढ़ने में। अगर ये सोचेंगे अरे यार आज तो शाम को नए क्वेश्चन मैम पूछने वाली है, फिर और नई चीजें पढ़नी पड़ेंगी, जब ये स्ट्रेस लेंगे तब नहीं आएगा। बस ये होगा कि हाँ आज कुछ सीखने को मिलेगा, आज कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो क्या है इस तरीके से जब जो है चीजों को लेंगे ना, पढ़ना नहीं है सीखना है समझना है ना, तो ज्यादा अच्छा रहता है पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। ठीक है जी, चलिए ठीक है जी। तो यहाँ तक ये चीजें तो हो गई। अब इनकी एक पेंटिंग है बरसोवा बीच, पूछा जा चुका है बरसोवा बीच ये पेंटिंग किसकी है, तो केके हेब्बर की है। इसको भी आप देख सकते हैं, मुख्य रूप से दो तीन ही रंग यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, तो केके हेब्बर ये किसकी है जी, बरसोवा बीच केके हेब्बर सर की पेंटिंग है। अब इनकी बात की थी हमने इनकी पेंटिंग की कि भाई इनका मोर जो उन्होंने ऑयल पेंट्स में बनाया है, ठीक है, हमने बात की थी कि भाई इनका मोर जो है बड़ा यूनिक है इसलिए बड़ा सुर्खियों में है। दो तीन मोर है, एक मंसूर का मोर है ठीक है जिसके बारे में पूछा जाता है, एक उसके बाद जो है अच्छा मंसूर का मोर हो गया, उसके बाद हमने बात की थी देवकी है ना, देवकी नंदन की, ठीक है, उनके मोर की बड़ी बात की जाती है, उन्होंने बड़े सुंदर पेंटिंग्स बनाई है जी पशु पक्षियों की। उसके बाद तीसरा मोर जो हमने भी देख रहे हैं ठीक है, ये किसका है, के हेब्बर का मोर है। भाई सब में कुछ ना कुछ अलग अलग क्वालिटीज हैं और इनके मोर की क्वालिटी आप देख सकते हैं। ठीक है, अलग सा मोर है और कुछ जब अलग आप करते हैं तो यूनिक होते हैं ना, तो इसी यही रीजन है कि इनका मोर इसलिए फेमस है। ठीक है, देख सकते हैं अब ऐसा एग्जैक्ट मोर होता नहीं है, उसके बाद भी क्या है जी, उसके बाद भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है ना। चलिए ठीक है, चलिए अब यहां तक समझ में आ गया। अब जो हमने बात की थी कि जब इनकी पेंटिंग्स में हमें कुछ चेंज देखने को मिलता है, अमृता शेरगिल से मिले हैं, जब इन्होंने बहुत सारी जो हमारी बुक्स हैं वहां से इन्होंने चीजें सीखी, उसके बाद जो इनकी पेंटिंग्स में चेंज देखने को मिलते हैं उनमें से एक पेंटिंग पीड़ित, कौन है पीड़ित ये भी पूछा गया है इस पेंटिंग से भी, पीड़ित पेंटिंग किसकी है या पीड़ित शीर्षक का चित्र किसने बनाया है, के हेब्बर ने बनाया है, इनको भी आप देख सकते हैं जी। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे आज के सबसे मेरे फेवरेट पार्ट की। ठीक है, तो सब लोग एकदम तैयार हो जाइए, और मुझे ये भी पता नहीं है कि जिनकी पेंटिंग्स मैं दिखाने वाली हूँ वो स्टूडेंट क्लास में है भी कि नहीं है। तो देखिए जिन जिनको भी आप अगर ये स्टूडेंट क्लास में नहीं भी है तो बाद में आप लोगों ने इनको जरूर बताना है भाई पेंटिंग्स के बारे में। ठीक है जी, तो चलिए आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। आज की जो स्टूडेंट पेंटिंग्स है मुख्य रूप से, ठीक है, ये नहीं कह सकती मैं स्टूडेंट पेंटिंग्स ठीक है क्योंकि ये मैंने जल्दी में टाइप कर दिया था, मुख्य रूप से ये हमारे भावी कलाकार हैं जिनकी पेंटिंग्स हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो देखिए सबसे पहले पेंटिंग है प्रतिभा रघुवंशी की। ठीक है, प्रतिभा, वेरी नाइस, प्रतिभा रघुवंशी की सबसे पहली पेंटिंग है जी। तो ये प्रतिभा की पेंटिंग है और यहाँ पर शायद आपको दिखाई देगा मेरे पीछे, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पेंटिंग पे प्रतिभा का नाम भी लिखा है, वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रतिभा। और कहीं ना कहीं आपकी जो पेंटिंग है ठीक है, तो ये पेंटिंग जो है ना आपकी, ये मैं अपनी पेंटिंग से रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे भी ये सब बनाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, स्पेशली जो आपने ये शेडिंग सी है ना, ये मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। और ये जो पहाड़ है, सॉरी, ये जो पीछे आपने पेड़ बनाए हैं ठीक है, ये मेरे क्या है नेटिव प्लेस के हैं, तो ये मेरी पेंटिंग्स में जरूर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी मेरे पास मेरी पेंटिंग्स है नहीं ठीक है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। ठीक है, वेरी नाइस। और सेम ऐसी ही एक पेंटिंग अगर मुझे कभी मौका मिला, आई वॉज उस समय मैं 10th क्लास में थी ठीक है, और इंडियन एक्सप्रेस में मेरी वो पेंटिंग छपी थी, उस समय मैं 10th क्लास में थी, और उससे इससे मिलती जुलती वो पेंटिंग है थोड़ी बहुत, वहां पे मैंने रिवर नहीं दिखाई है लेकिन थोड़ा बहुत कुछ इससे मिलती जुलती पेंटिंग है। ठीक है, तो प्रतिभा वेरी नाइस, आपकी पेंटिंग बहुत सुंदर है। अब इसके बाद जी अभी ये हमने शुरुआत की है, वेरी नाइस, इस चीज को आगे एक्सट्रीम तक लेके जाइए, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद जो है विजय कुमार, आई डोंट नो विजय आप क्लास में है नहीं है, बट वेरी वेरी नाइस विजय कुमार जो है ठीक है, ये देखिए एक तो इनका नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, प्रोफेशनल पेंटर है ये, और इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। इन्होंने मैसेज किया था कि मैम मेरा यूट्यूब चैनल भी है विजय आर्ट फतेहपुर के नाम से ठीक है, और ये क्या है जी, ये प्रोफेशनली भी आपको ट्रेंड कर सकते हैं, यानी ये प्रोफेशनली ट्रेनिंग भी देते हैं पेंटिंग की, तो आप लोग इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इनका यूट्यूब का जो है नाम है विजय आर्ट फतेहपुर, और ये इनकी सिर्फ एक पेंटिंग है, अभी और देखिए विजय, इनको आप देख भी सकते हैं, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। ओके विजय आप हैं हमारे साथ, वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर, वेरी नाइस जी। अभी देखिए अभी ये शुरुआत है, अभी ये भी विजय की पेंटिंग है ठीक है, ये यहाँ पर इनका नाम भी था नीचे शायद, लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा
साइंसेस का बड़ा है ना, तो यहाँ पर आपका नाम नहीं है इसलिए मैंने आपका नाम यहाँ पर ऊपर लिख दिया है, ठीक है। तो ये भी विजय की पेंटिंग है और विजय ने हमें बहुत सारी पेंटिंग्स भेजी हैं। विजय, अभी मैंने आपकी 3 ही पेंटिंग्स यहाँ पर लगाई हैं। अच्छा, एक मूर्ति भेजी है, शायद वो आपकी है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। वेरी वेरी नाइस, ठीक है। तो आप इनसे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और इनका जो यूट्यूब चैनल है गाइस, उसको आपने जरूर फॉलो करना है, आपको बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, ठीक है जी। जी शिव, बिल्कुल स्मार्ट बॉय शिव, इट्स यू नो आई थिंक शिव ये आप हैं। देखिए, मुझे आपकी क्वेरी नहीं मिली शिव, एक बार ना, एक बार आप आज फिर अपनी क्वेरी भेजिएगा, क्योंकि हो सकता है इतनी सारी पेंटिंग्स आई हैं, आपकी क्वेरी कहीं बीच में चली गई हो, ठीक है। एक बार फिर से प्लीज भेजिएगा, ठीक है जी। और विजय, एक शायद एक और भी है, आपने शायद कोई मूर्ति बनाई है, मुझे नहीं पता क्योंकि उस पे नाम नहीं आया, वो मूर्ति किसी ने बना के भेजी है, बहुत सुंदर मूर्ति है। मैं उस वो मूर्ति मैंने आज नहीं दिखाई है, क्योंकि जब तक भाई मुझे उसके आर्टिस्ट का नाम नहीं पता चलेगा, वो मैं नहीं दिखा सकती, ठीक है। तो प्लीज मुझे आप बताइएगा कि वो मूर्ति जो है, ठीक है, किसकी है, ठीक है। अभी देखिए, और ये देखिए, इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, ये है जुहेब खान, ठीक है, जुहेब खान, आर्टिस्ट फ्रॉम अमरोहा उत्तर प्रदेश। आई डोंट नो जुहेब, आप हमारी क्लास में हैं अभी? नहीं है, लेकिन ये एकदम प्रोफेशनल पेंटर है जी, इनकी पेंटिंग्स इतनी ब्यूटीफुल हैं, जिस किसी की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ये इनकी पेंटिंग्स आप देख सकते हैं, आई थिंक ये जुहेब ही है, ठीक है। हाँ, जुहेब ही है, आई थिंक, नहीं कह सकती, जुहेब ही है, ठीक है। और ये देखिए, श्रद्धांजलि, और अभी करंटली आपने शायद ये पेंटिंग्स बनाई हैं, ठीक है। जुहेब खान, आर्टिस्ट फ्रॉम अमरोहा उत्तर प्रदेश, ये किसकी, ये सारी जी इनकी पेंटिंग्स हैं, वेरी नाइस। और जुहेब, आपकी और भी पेंटिंग्स हैं, लेकिन मैंने आज कोशिश की है, दो दो तीन तीन जितनी भी जो पेंटिंग है, बाकी पेंटिंग्स में मैं आपकी सबकी जरूर दिखाऊंगी, जितनी भी पेंटिंग्स आपने भेजी हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी ना कि एक पेंटर की पेंटिंग में एक दिन में पूरी दिखा दूं, ठीक है। तो होप सो कि शायद अगर आप क्लास में नहीं भी हो तो शाम को जरूर क्लास में रहें, क्योंकि बाकी मैं पेंटिंग्स आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी और देखिए, ठीक है, तो ये तो अभी आई थिंक लास्ट वीक की है, ठीक है, जो है, वेरी वेरी नाइस। और ये क्या है भाई, ये हमारे समकालीन कलाकार हैं, और इट्स ऑनर कि मैं आपकी पेंटिंग से लोगों को बता रही हूँ, मे बी शायद बाद में भी जो स्टूडेंट्स क्लास देखते हैं, और आप एक इंस्पिरेशन है हमारी क्लास के जितने भी ये आर्टिस्ट हैं बाकी स्टूडेंट्स के लिए। जब हम बात करते हैं ना कि भाई ठीक है, आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब आपका क्या है, ये जो आपकी पेंटिंग्स हैं, ये देखकर मुझे लगता है कि अभी तक हम बात कर रहे थे कि प्लान ए है सरकारी नौकरी लेना, और उसके बाद प्लान बी पे आपको काम करना है, लेकिन आप सबकी पेंटिंग्स देख के मुझे ये लग रहा है कि आपका प्लान भी है गवर्नमेंट जॉब लेना, है ना। बाकी क्योंकि प्रोफेशनली भाई आपकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है। और जो टॉपिक्स आपने उठाए हैं जुहेब, नेक्स्ट लेवल के हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अद्भुत, ठीक है, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। अब इसके बाद एक और पेंटिंग है, हरिओम। अब ये हरिओम, ये हरिओम कौन है, ये गोल्डी बदनाम है, जो मुझे पता है अभी क्लास में नहीं है, बिकॉज ये क्लास में कभी कभी आते हैं, और जब भी कमेंट्स करते हैं तो आई वॉज ऑलवेज, मतलब मैं यही कहती हूँ कि देखिए, ये जो भी हैं, ये हंसी मजाक करते हैं, लेकिन इनको आर्ट की बहुत नॉलेज है। मुझे लगता था कि ये शायद एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इनकी इनका इनके सब्जेक्ट पर बहुत अच्छा कमांड है, लेकिन इनकी पेंटिंग्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इनकी एक एक पेंटिंग की जो वैल्यू है ना, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और ये दूसरी पेंटिंग, हरिओम गोल्डी बदनाम जी, ठीक है। और जैसे इनके कमेंट्स रहते हैं, वैसे ही अलग सी इनकी पेंटिंग्स, इनकी शैली हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। यानी कि ये हमारे वो समकालीन कलाकार हैं जिनकी अपनी मौलिक शैली है, क्या है, अपनी मौलिक शैली है, जो किसी को क्या है, फॉलो नहीं कर रहे, है ना। तो क्या है, वो इस तरीके की पेंटिंग्स हैं, आप देख सकते हैं, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी जी। चलिए, अब इसके बाद ये है मधु पांडे, बहुत ही सुंदर। और मधु पांडे की पेंटिंग्स जो अभी मैं देख रही हूँ, मुझे मधु, आपकी जो पेंटिंग है ना, ये मुझे आरा सर की याद दिला रही है ना, आरा और सूजा की जो पेंटिंग्स हैं, थोड़ी बहुत जो उन्होंने स्टिल लाइफ पे बनाई है, ठीक है, उनकी पेंटिंग की याद दिला रहे हैं, सॉरी, सूजा सर की जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, ये मधु की पेंटिंग्स हैं।
और मधु ने बिल्कुल वैसे किया था कि इन्होंने ऐड करके अपना नाम भेजा है, तो मुझे यहाँ पर ज्यादा परेशानी नहीं हुई ढूंढने की कि कौन सी पेंटिंग किसकी है, ठीक है। क्योंकि देखिए कभी कभी होता क्या है ना, आप सब लोग एक साथ पेंटिंग्स भेज रहे हैं, अब पेंटिंग्स आ गई, नाम ऊपर नीचे हो गए, जिन्होंने इकट्ठी भेजी है उनका तो एकदम से समझ में आ गया, ठीक है। तो इसलिए जी बिल्कुल हाँ, स्टिल लाइफ। अब यहाँ पर ये दूसरी भी देख सकते हैं, वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर है, मधु पांडे, ये भी मधु की पेंटिंग्स है। बिल्कुल तेजी, जो भी आपका आर्ट है, जो भी आपका आर्ट है आप भेज सकते हैं। और मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है, ये जितनी भी पेंटिंग्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी मधु पांडे की पेंटिंग है, ठीक है, ये भी मधु पांडे की पेंटिंग है। जी देखिए, जितने भी आप लोग ये पेंटिंग्स भेज रहे हैं, ठीक है, तो मेरी कोशिश ये है, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं अपनी रिजल्ट गुरु टीम के साथ बात करूंगी, और मैं जो सोच रही हूँ कि आप लोगों की जो आर्ट गैलरी है, यानी कि रिजल्ट गुरु आर्ट आर्टिस्ट गैलरी के नाम से, उसमें आप सबकी पेंटिंग्स रहे हमेशा के लिए, ठीक है। यानी कि इन फ्यूचर भी कभी भी, चाहे आप किसी भी, देखिए ये आपकी सिर्फ एक शुरुआत है, ठीक है, कल को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाए। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, गोल्डी की मैं देखूं, जुहेब की पेंटिंग्स देखूं और विजय की पेंटिंग्स देखूं, यानी कि आप कहीं ना कहीं से शुरुआत कर चुके हैं, एक प्लेटफॉर्म शायद आपको मिल चुका है, लेकिन उसके बाद भी बहुत कम लोग होते हैं जिनको आपके बारे में जानकारी है, ठीक है। तो कोशिश ये करेंगे कि आपकी पेंटिंग्स उन लोगों तक पहुंचे, हमारे उन कलाकारों तक पहुंचे, और होप्स हो कि आप लोगों ने अभी जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में जो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कराई जा रही थी, उसके लिए आप सब ने अप्लाई किया होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था। अब तो जो है उसके रजिस्ट्रेशन की जो डेट्स हैं वो बंद हो चुकी हैं, लेकिन जब भी इस तरीके की कोई भी कहीं पे भी कोई आपको प्लेटफॉर्म मिलता है ना, आपका जो आर्ट है बहुत अच्छा है, और मेरी एडवाइस आपको यही है कि वहां तक अपने आर्ट को जरूर पहुंचाइए, और उसके बाद भी आप लोग अपनी पेंटिंग्स भेजते रहिए, हम लोग भी कुछ ना कुछ क्रांतिकारी आपके लिए जरूर करेंगे, ठीक है जी। ठीक जी, बहुत सुंदर। और इसके बाद और भी पेंटिंग्स है गाइस, ठीक है, तो आज मैंने इतनी ही पेंटिंग्स रखी हैं, क्योंकि भी ये बहुत लंबा समय चला जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज तो बिल्कुल अनुराधा जी, गायत्री आपको पेंटिंग भेजनी है। गायत्री देखिए नंबर है, ठीक है, नंबर है, तो वो नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए नंबर मैं शाम को भी एक बार आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है जी, उसी पे आपने व्हाट्सअप कर देना सबको। अब उसके बाद देखिए, जब से एक दो बार नंबर गया है तब से ये थोड़ा सा चीजें होगी, चीजें जल्दी मुझ तक मिलने लगी हैं, ठीक है जी। चलिए ठीक है गाइस, तो फिर आज का सेशन यही एंड करते हैं। बाकी की जो पेंटिंग्स हैं, क्योंकि इसमें विजय की भी कुछ और पेंटिंग्स हैं, पूनम चौरसिया आपकी कुछ एक पेंटिंग्स हैं, और एक दो स्टूडेंट्स की और पेंटिंग मिली है, मधु की एक पेंटिंग और है, विजय की है, जुहेब की भी पेंटिंग है, और गोल्डी की भी एक दो पेंटिंग्स और हैं, ठीक है। तो इन बाकी जो पेंटिंग्स बची हैं उनको मैं शाम को आपको दिखाऊंगी, ठीक है जी। ओके प्रवेश जी, बिल्कुल देखिए प्रवेश, अभी मुझे इन आर्टिस्ट की मिली है, आपने मुझे बहुत बार कहा कि मैम आपकी पेंटिंग मिली है, उसमें होगी, मैं भी शाम को जरूर दिखाती हूँ, ठीक है। ओके नहीं, इट्स ओके शिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शाम को मैं जरूर देखती हूँ, ठीक है, शाम को जरूर देखती हूँ। देखिए आपका मैं स्क्रीनशॉट लेके रख रही हूँ कि भाई स्पेशली जो है ना आपका नाम रहे, ठीक है जी, प्लीज प्लीज डोंट बी अपसेट, ओके जी। हाँ मधु चटक रंगों का प्रयोग करती है, वेरी नाइस, सब आर्टिस्ट है भाई, ठीक है जी। तो गाइज जो बच्चे क्लास में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना है, शेयर तो जरूर जरूर करना है, और उसके बाद क्या है ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे, शाम तक जी आपने चेक कर लेना है, ठीक है, पीडीएफ भी आप लोग शाम तक चेक कर लेंगे। और उसके बाद प्रवेश और शिव प्लीज एक बार अपने एक बार फिर क्वेरी करिएगा आप, ठीक है, ताकि आपकी जो क्वेरी है वो ऊपर आ जाए और मुझ तक मिल जाए, ठीक है ठीक है। और रानी एक चीज मैंने आपको कही थी, आपने जो पोइम लिखी थी, ठीक है, एक बार प्लीज वो मुझे फिर से अभी भेज दीजिए क्लास के एंड में, या जो नई क्लास हमारी पब्लिश हुई है या तो वहां भेजिएगा, आपकी जो भी चीजें आप में यूनिक है ना, वो मैं चाहती हूँ कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, ठीक है जी। सारे कलाकार हैं और कलाकारों को प्रोत्साहन देना हमारा काम है, ठीक है जी, ठीक है, बीइंग अ टीचर आपके गुरु होने के नाते मैं आपके लिए इतना जरूर कर सकती हूँ, ठीक है जी। कविता ओके प्लीज, आपका मैसेज जरूर पढ़ूंगी कविता, बिल्कुल ठीक है जी। और देखिए जिसेस की भी कोई क्वेरी रहेगी प्लीज अभी आप मैसेज करेंगे ना, तो मुझे बाद में आपके मैसेज मिल जाएंगे, ठीक है जी। ये जो हमारी शाम की क्लास पब्लिश हुई है प्लीज उस पर आप मैसेज कर दीजिए,
लेकिन होता क्या है, वहां पर भी लाइव होने से पहले तक आपके मैसेजेस उसमें रहेंगे, बाद में लाइव के मैसेज उसमें चलते हैं, कमेंट्स रहते हैं। तो एक बार वहां पर आप अपनी क्वेरीज या जो भी है आपने भेजना है उस पर भी आप मुझे पिन कर सकते हैं, मुझे वो जल्दी मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि वो पर्सनली मैं अपने आप जब शाम की हमारी क्लास जो पब्लिश हुई है उसमें मैं एक बार चेक कर लूंगी, ठीक है गाइज? ठीक है, तो आज का सेशन गाइज यहीं एंड करते हैं, शाम को मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय एंड कीप स्टडिंग, बाय बाय।